The events, characters and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। इस आदमी को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? उसे ढूंढना मुश्किल है, उसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं। वो हमेशा हमसे एक कदम आगे ही रहता है। तुम्हें जो तानाशाह लगता है, मुझे वो टेढ़ी दुनिया को सीधा करने वाला लगता है। चलो दुनिया को बदलते हैं, हर बार की तरह। आज रात भी वो वही था, मुझे पूरा यकीन है। नहीं जानता वो कौन है, कहां से आया है, उसे पैसे कौन देता है, पर मैं जानता हूं वही उनका लीडर है। एंड हियर द प्लान इज ऑन। Guys, this is a new assignment. बहुत अलग अलग रहने लगा है। तो थलपति विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का ट्रेलर हो चुका है अब आउट। अब इस ट्रेलर में इतने खतरनाक बैक टू बैक सीन्स दिखाई देते हैं कि बहुत कुछ नजरों से छूट भी सकता है, तो जरा उस पर हम अभी गौर फरमाते हैं। तो जैसे कि ट्रेलर की शुरुआत होती है, हमें थलपति विजय इन एक्शन मोड दिखाई देते हैं और तभी एक वॉइस ओवर सुनाई देता है जिसमें पता चलता है कि एक मिशन है जिसके लिए एक टीम फॉर्म की जा रही है। और उसमें थलपति का इंट्रोडक्शन देते हुए तकरीबन 20 सेकंड पर हमें बताया जाता है इस मिशन के लीडर ने 68 इंटरनेशनल सक्सेसफुल ऑपरेशंस पर काम किया है। अब 68 नंबर पर गौर करें तो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थलपति के करियर की 68th मूवी है, तो ये भी एक अच्छा खासा कनेक्शन यहाँ पर बिठाया इन्होंने। वैसे ट्रेलर बैक टू बैक स्वैग स्टाइल और एक्शन और वॉइस ओवर के साथ तो दिखाई देता ही है, पर ऐसे में 27 सेकंड पर हम जब रुकते हैं तब पता नहीं थलपति को देखकर उनके 2005 की फिल्म तिरुपाची की याद क्यों आ जाती है। बिल्कुल कुछ वैसे ही स्टाइल और वाइब्स आ रही है उस सीन को देखने के बाद। फिर 1 मिनट 8 सेकंड की फ्रेम में हमें दिखाई देते हैं इस फिल्म के एक और एक्टर और मशहूर डांस कोरियोग्राफर
प्रभुदेवा, जिनका लड़कियों के साथ एक कलरफुल अंदाज दिखाई देता है। उसके बाद 1 मिनट 23 सेकंड्स की फ्रेम में हमें विजय के दो अवतार दिखाई देते हैं, जैसे कि एक पिता और एक बेटे का, जिसमें डी एजिंग टेक्निक के जरिए थलपति का यंग वर्जन दिखाया गया और पेपर सॉल्ट लुक में हमें उनका ओल्डर वर्जन दिखाया गया। और वहीं 1 मिनट 53 सेकंड्स की फ्रेम में हम देख सकते हैं विजय का बहुत ही यंग टीनेज वाला लुक जो हमें दिखाई देता है, जो हमने उनकी 80s और 90s की फिल्मों में देखा होगा। वैसे 2 मिनट 1 सेकंड की फ्रेम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बंदा दौड़ रहा है अपनी जान मुट्ठी में लेकर, पर उसके पीछे जो दीवार है उस पर हमें चेन्नई सुपर किंग के पोस्टर्स दिखाई देते हैं और कुछ खिलाड़ी इस टीम की जर्सी पहनकर उस बंदे के साथ चल रहे हैं। हो सकता है ये मूवी टाइम ट्रैवल की कहानी है, जिसमें विजय के 3 रोल को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। वेंकट प्रभु के निर्देशन में बनी इस मूवी में विजय, प्रशांत और कई स्टार से सजी गोट अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जबकि मूवी का आखिरी मेकिंग फेज चल रहा है। युवान शंकर राजा ने इस मूवी के लिए संगीत तैयार किया है। दिवगन सिंगर बाब धरानी की आवाज में गाना चन्ना चन्ना लोगों के बीच काफी पसंद भी किया जा रहा है। करीब 3 मिनट के ट्रेलर से पता चलता है कि विजय गांधी नामक एक अनुभवी खुफिया एजेंट की भूमिका निभा रही हैं, जो बंधकों के मामले में सबसे अच्छा वार्ताकार, फील्ड एजेंट और जासूस है। संक्षेप में एजेंसी का सबसे बेहतरीन व्यक्ति। अभिनेत्री स्नेहा मूवी में उनकी पत्नी की भूमिका निभा रही है और छोटे विजय उनके बेटे की भूमिका निभा रही है। विजय की टीम में प्रशांत, प्रभुदेवा और अजमल आमिर शामिल है। अनुभवी अभिनेता मोहन ने खलनायक की भूमिका निभाई है, जो जाहिर तौर पर विजय और उसके परिवार से बदला लेना चाहता है। जब विजय अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बैंकॉक के मिशन पर जाता है तो चीजें गलत हो जाती हैं। और वहां जो निभा रही है अभिनेत्री मीनाक्षी चौधरी, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, योगी बाबू और VTV गणेश महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। विजय की दी गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की शूटिंग अपने अंतिम चरण में है। विजय के फैन के लिए मूवी के सेट से कुछ खास अपडेट यहाँ दिए गए हैं। हमने पहले ही बताया था कि विजय मूवी में दोहरी भूमिका में नजर आएंगे। हमने जो ताजा जानकारी सुनी है वो ये है कि अभिनेता मूवी में नायक और खलनायक दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि गोट एक साइंस फिक्शन पीरियड प्रोजेक्ट है और विजय मूवी में नायक और खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। हमें अभी तक नहीं पता कि मूवी में कौन से किरदार प्रतिपक्षी का पक्ष लेंगे और इनमें से कौन से अभिनेता नायक का पक्ष लेगा। गोट पहली ऐसी मूवी होगी जिसमें विजय और प्रभु देवा एक छोटे से गाने में डांस करते नजर आएंगे। सूत्र ने बताया उन्होंने पोकरी के इंट्रो में पोकरी पोंगल में साथ में डांस किया है। हालांकि गोट में वो दोनों एक पूरे गाने में नजर आएंगे, जिसका ऑडियंस सिनेमाघरों में बेसब्री से इंतजार कर रही है। थलापति 68 को गोट के नाम से अब जाना जा रहा है और इसके राइटर और डायरेक्टर वेंकट प्रभु ही होंगे। इस मूवी को AGS एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है। AGS एंटरटेनमेंट के साथ थलापति विजय ने दूसरी बार हाथ मिलाया है। इससे पहले दोनों बिगल जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी में काम कर चुके हैं। मेकर्स जल्द अपडेट देंगे और भी गोट को लेकर। मूवी को जब अनाउंस किया गया था तो विजय के फैंस पागल हो गए थे। थलापति विजय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक अनाउंसमेंट वीडियो शेयर कर अपकमिंग प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की थी। ये धमाकेदार वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया था और फैंस महज ऐलान मात्र से इसे ब्लॉकबस्टर बताते नजर आ रहे थे। इंटरेस्टिंग वीडियो को वेंकट प्रभु ने भी शेयर किया था और इसके साथ कैप्शन में लिखा था, सपने सच होते हैं, ईश्वर की दया है। एक यूजर ने अनाउंसमेंट वीडियो पर कमेंट कर लिखा था, अब टूटेंगे सभी रिकॉर्ड। दूसरे ने लिखा था, ब्लॉकबस्टर मूवी लोर हो रही है। लियो के बाद थलापति विजय अपनी नई मूवी के साथ बॉक्स ऑफिस पर झंडा गाड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। बीते दिन उनकी अपकमिंग मूवी दी ग्रेट बुकिंग शुरू हो गई थी, तो वहीं फैंस सितंबर में मूवी की रिलीज का वेट करते हुए नजर आ रही है। इसी बीच मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे देखकर फैंस तारीफ करते नजर आए और फैंस को मूवी देखने की एक्साइटमेंट भी झलक रही है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी गोट थलापति विजय की पैन इंडिया मूवी है, जिसे कई लैंग्वेजेस में पूरी दुनिया में सितंबर में रिलीज करने की तैयारी चल रही है। जबकि सुपरस्टार की लोकप्रियता को देखते हुए रिलीज के एक महीने पहले से ही दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई थी।
हालांकि मूवी की एडवांस बुकिंग इंडिया में नहीं बल्कि यूके में स्टार्ट हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की यूके की वितरण कंपनी अहिंसा एंटरटेनमेंट ने यूके में एडवांस टिकट बुकिंग स्टार्ट कर दी थी। थलापति विजय भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी स्टारडम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही उनकी आने वाली मूवी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के प्रीमियर शो की एडवांस बुकिंग खोली, एक रात में ही इसके कलेक्शन में 850% से ज्यादा का उछाल आया। हालांकि भारत में अभी एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में जो धीरे धीरे तमिल फिल्मों के लिए एक बड़ा बाजार बन रहा है, वहाँ टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध है और हर गुजरते दिन के साथ अधिक से अधिक शो जुड़ते ही जा रहे हैं। ट्यूसडे सुबह तक मूवी ने 71 शो के लिए सिर्फ 161 टिकट्स बेची थी, जिससे $3,575 की कमाई हुई। लेकिन वेंसडे सुबह तक मूवी ने अपने 130 शो के लिए 1,350 से ज्यादा टिकट्स बेच डाली, जिससे $34,512 की कमाई हुई है। मूवी 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है और रिलीज से 15 दिन पहले मूवी के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। साउथ सुपरस्टार विजय इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड मूवी गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। मूवी का क्रेज ऑडियंस के बीच अभी से छाया हुआ है। मूवी के बारे में ऑडियंस को आए दिन नई जानकारियाँ मिल रही हैं, जो उनका उत्साह बढ़ा रही है। हाल ही में निर्माताओं ने मूवी का ट्रेलर रिलीज किया था, जिस पर ऑडियंस ने खूब प्यार लुटाया। वहीं अब मूवी से जुड़ी नई जानकारी निर्माताओं ने ऑडियंस के साथ शेयर की है। मूवी को लेकर ताज़ा खबर है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ने अपनी सेंसर फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है। विजय की मूवी दी गोट को आखिरकार सेंसर बोर्ड ने पास कर लिया है। मूवी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला है। इसकी जानकारी खुद निर्देशक वेंकट प्रभु ने सोशल मीडिया पर दी है। एक्स अकाउंट पर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का एक पोस्टर शेयर करते हुए निर्देशक वेंकट प्रभु ने कैप्शन में लिखा है, और ये दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए UA सर्टिफिकेट है। मूवी के नए पोस्टर में विजय दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं। वे कुर्सी पर गंभीर भाव के साथ बैठे हैं और उनके हाथ में स्टाइलिश गन है। इस खबर के बाद से अब ऑडियंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई है और सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर कर रही है। इस मूवी के जरिए निर्देशक वेंकट प्रभु और विजय पहली बार साथ काम कर रहे हैं। मूवी ने अपने प्रचार पोस्टर वीडियो और गानों के साथ सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है। दी गोट विजय की 68th मूवी है। ये मूवी AGS एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है। कहा जा रहा है कि एक एक्शन आधारित विज्ञान फाई मूवी होने वाली है। ये मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन ड्रामा मूवी है, जिसमें विजय दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, एक यंग और दूसरा ओल्ड का। निर्माता मूवी को बेहतर बनाने के लिए लगन से काम कर रही है और सोशल मीडिया पर लोगों से फीडबैक और सजेशंस भी ले रहे हैं। सिद्धार्थ नोनी जो इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर है, उन्होंने कलर ग्रेडिंग के बारे में बात की, कहा, गो ट्रेलर ग्रेड के बारे में कुछ चर्चा हुई है, मैं आपकी चिंता और प्रतिक्रिया की सराहना करता हूँ। ट्रेलर को HDR में ग्रेड किया गया है और डिलीवर किया गया है। ग्रेड और कलर के पूर्ण रिजोल्यूशन और गुणवत्ता का एक्सपीरियंस करने के लिए कृपया सुनिश्चित करें कि आपके डिवाइस पर HDR सक्षम है। दुर्भाग्य से हम YouTube पर HDR और SDR दोनों वर्जन अपलोड करने में असमर्थ है, जो सीन्स को विजुअली ज्यादा अपीलिंग दिखाए। इसके अलावा प्रत्येक डिवाइस की अपनी गामा और कलर स्पेस सेटिंग होती है। फिर में HDR ग्रेडेड ट्रेलर और गानों के लिए अस्वीकरण शामिल किया जाए। थलापति विजय की सेकंड लास्ट मूवी दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का ट्रेलर आ गया। सेकंड लास्ट इसलिए क्योंकि विजय इसके बाद एक और मूवी करेंगे, फिर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि थलापति 69 के बाद वो राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे। अब दी गोट के डायरेक्टर वेंकट प्रभु ने बताया कि थलापति विजय राजनीति में जाने के बाद भी फिल्में करेंगे या नहीं, जो देखेंगे तो पाएंगे कि ये पूरी तरह कहानी से और नैरेटिव विजय सर मूवी को मूवी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो कभी पॉलिटिक्स पर चर्चा तक नहीं करते।
वेंकट ने बताया कि उन्होंने थलापति विजय से पॉलिटिक्स और फिल्में दोनों साथ में करने की बात की थी। वेंकट ने कहा, सभी की तरह मैं भी विजय का फैन हूँ और उनके फैंस की ही तरह उन्हें फिल्में करते देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो एक्टिंग कंटिन्यू करे। मैं इस बारे में विजय सर से पूछा भी। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो दोनों चीजों को बैलेंस कर सकेंगे, तो वो बस मुस्कुरा दिए और बोले, देखते हैं, ये हमारा सपना है कि हम उन्हें हमेशा स्क्रीन पर देखते रहें। मगर उनके भी कुछ सपने हैं, वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें भी उनको सपोर्ट करना ही चाहिए। खैर, विजय की लास्ट और सेकंड लास्ट मूवी आने अभी बाकी है। मतलब ऑफिशियली फिल्मों से रिटायरमेंट के पहले अभी दो बार विजय का जादू बड़े पर्दे पर चलेगा। पहली मूवी गोद 5 सितंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज के लिए स्केड्यूल है, वही लास्ट मूवी को लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। थलापति विजय ने पिछले साल द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अपनी मूवी की अनाउंसमेंट की थी, जिसका पोस्टर देखकर ही लोगों ने मूवी के प्लॉट और कहानी का अंदाजा लगाना स्टार्ट कर दिया था। ताज़ा खबर ये है कि विजय की इस मूवी ने रिलीज से पहले ही उन्हीं की पिछली मूवी लियो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। koimoi.com की रिपोर्ट के मुताबिक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के डिजिटल राइट्स बिक चुके हैं, जिसे नेटफ्लिक्स ने खरीदा है। वेंकट प्रभु के डायरेक्शन में बनी इस मूवी को नेटफ्लिक्स ने 125 करोड़ में खरीदा है, जबकि इसके पहले विजय की रिलीज हुई लियो के डिजिटल राइट्स भी नेटफ्लिक्स ने खरीदे, वो भी 120 करोड़ रुपए में। थलापति विजय की मूवी गोट इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि ये उनकी दूसरी लास्ट मूवी होगी, यानी सेकंड लास्ट मूवी। इसके बाद वो राजनीति में कदम रख देंगे और इसके बाद एक और मूवी आएगी जो कि लास्ट होगी, क्योंकि उसके लिए उन्होंने हामी भर चुकी है। वो मूवी होगी थलापति 69। गोट में थलापति विजय के साथ जयराम, योगी बाबू, प्रभु देव और मीनाक्षी चौधरी जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। गोट के अब तक के दो पोस्टर्स दिखाई देंगे। एक पोस्टर में दोनों कैरेक्टर बाइक पर बंदूक पकड़े नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे पोस्टर में ये दोनों स्काई डाइविंग सूट में दिख रहे हैं। गोट एक साइंस फिक्शन मूवी बताई जा रही है, जिसमें टाइम ट्रैवलिंग के मसले पर बात की जाएगी। इसी आधार पर कहा जा रहा था कि गोट की कहानी हॉलीवुड मूवी जेमिनी मैन से उठाई गई है। हालांकि वेंकट प्रभु ने इन सभी खबरों को गलत बताया है। मूवी की शूटिंग अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। मूवी के कुछ हिस्से चेन्नई और कुछ सीक्वेंसेस बैंकॉक में भी फिल्माए गए हैं। 11 अक्टूबर 2019 को हॉलीवुड की मूवी जेमिनी मैन ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। इस मूवी की चर्चा इसके एक्शन को लेकर थी, जो सेम एक्शन हमें विजय की गोट में देखने को मिल रहा है। फिल्म के स्टार है विल स्मिथ और इसे ऑस्कर जीत चुके डायरेक्टर एंग ली ने बनाया था। मूवी में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। जेमिनी मैन के बारे में बता दे कि विदेशी मीडिया में इसे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड मूवी बताकर प्रचारित किया गया था। वहीं इसमें इमोशन का भी तड़का है। हालांकि वहां मूवी को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। मैन इन ब्लैक फेम विल स्मिथ का मूवी में डबल रोल है और गोट में भी विजय का डबल रोल है। खैर, जेमिनी मैन में एक में वो अपनी असली उम्र के फ्रेम में है, तो दूसरी ओर कम इमोशंस वाला उनका किरदार है, जिसे उनके डीएनए से तैयार किया गया है। ऐसे लोगों को सब ह्यूमन कहा जाता है और कहीं ना कहीं गोट के ट्रेलर में भी आपको ये फैक्ट देखने को मिलता है। मूवी एक साइंस फिक्शन है और इसमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि मूवी को एक सेकेंड में 120 फ्रेम दिखाने की तकनीक पर फिल्माया गया था। आमतौर पर 24 फ्रेम एक सेकंड में दिखाने पर ही काम होता है, वहीं इसे 4K 3D हाई डेफिनेशन पर दिखाया गया है। इससे एक्शन असल से भी असल दिखता है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी से कोई मूवी नहीं देख पाएगा, क्योंकि कोई भी थिएटर इस फॉर्मेट में मूवी नहीं दिखाता। अमेरिका में भी महज 14 थिएटर्स में जो 120fps 2K 3D फॉर्मेट में मूवी दिखा सकते थे। तकनीक की वजह से जेमिनी मैन पर पिछले कई साल से काम चल रहा था। कई निर्देशकों के हाथ से होने के बाद ये मूवी एंग ली के पास पहुंची, जो इससे पहले लाइफ ऑफ पाई मूवी के लिए ऑस्कर जीत चुके हैं। इसका बजट $138 मिलियन था। तमिल सिनेमा के एक्टर और थलापति के नाम से मशहूर थलापति विजय ने राजनीति में एंट्री ले ही ली। विजय ने 22 अगस्त को अपनी पार्टी के झंडे और प्रतीक चिन्ह का इनॉग्रेशन किया। विजय ने फरवरी 2024 में तमिलनाडु वेट्री कजगम पार्टी बनाई थी।
हालांकि बीते लोकसभा चुनावों में पार्टी ने ना किसी उम्मीदवार को उतारा ना ही किसी दल का समर्थन किया। अब खबरें हैं कि विजय की पार्टी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ेगी। टीवीके के झंडे में तीन रंग है, सबसे ऊपर लाल, बीच में पीला और नीचे मरून। बीच वाली पीली पट्टी पर दो हाथी बने हैं और उनके बीच में फूल बना है। इसके साथ ही पार्टी ने अपना एंथम भी रिलीज किया है। इस मौके पर विजय ने अपनी राजनीतिक विचारधारा भी स्पष्ट की। बोले कि वे सामाजिक न्याय की राजनीति करेंगे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए एक्टर ने कहा, मुझे पता है आप सब हमारी पार्टी के पहले स्टेट कन्वेंशन का वेट कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द इसका ऐलान करूंगा, पर उससे पहले आज मैंने पार्टी का झंडा पेश किया है। इस मौके पर मैं बेहद खुशी और गौरव की अनुभूति कर रहा हूं। हम सब मिलकर तमिलनाडु के विकास के लिए काम करेंगे। अपनी खुद की पार्टी बनाने के साथ विजय उन एक्टर्स की लिस्ट में अब शामिल हो चुके हैं जिन्होंने सिनेमा से राजनीति तक का सफर तय किया है। तमिलनाडु में राजनीति और सिनेमा का बहुत पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। AIADMK के यानी डायरेक्टर की कुर्सी संभाली। कुछ तमिल और तेलुगु फिल्में बनाने के बाद वांटेड नाम की हिंदी फिल्म बनाई, वो वांटेड जिसने सलमान खान के मरते करियर को संजीवनी बूटी दे दी। उसके बाद से ही सलमान ने बॉक्स ऑफिस पर कहर ढाया हुआ है। प्रभुदेवा ने न चाहे जितनी विधाओं से में हाथ आजमा लिया हो, हमारे लिए वो तो डांस के भगवान ही रहेंगे। आइए उनके कुछ एक आर डांस नंबर्स देख लेते हैं और जान जाते हैं। उर्वशी उर्वशी और मुकाबला की बात हम कर ही चुके हैं, पांच ऐसे ही क्वालिटी डांस नंबर्स। अब बात करते हैं गोपाला गोपाला। राजस्थानी पहनावा पहने सुमधर संगीत, मटकी की धुन तो समा ही बांध देती है। फिर आता है के सरासरा। जब कोई डांसर महा टैलेंटेड हो तो उसके साथी के तौर पर भी वैसे ही किसी डांसर का होना गाने को सुंदरता के शिखर तक ले जाता है। के सरासरा इस बात का सटीक एग्जाम्पल है। प्रभुदेवा के साथ माधुरी, नतीजा जो निकाला वो ब्रेथ टेकिंग था। चीकू बुकू रेली। अब एक तमिल सॉन्ग, ये वो गाना है जिसकी धुन पर गोविंदा का पक्षीक पक राजा बाबू गाना बन गया था। एक आइटम सॉन्ग था जिसने प्रभुदेवा के साथ साउथ की मशहूर हीरोइन गौतमी थी। भाषा नहीं भी आती तो महज प्रभुदेवा के डांस के लिए देखा जा सकता। साक्षी सिन्हा के साथ दही हांडी मनाते प्रभुदेवा, उनका बांसुरी वाला स्टेप तो कमाल का लगता है। 40 की उम्र में भी प्रभुदेवा की फ्लेक्सिबिलिटी देख कर अचरज नहीं होता था। चंदा रे चंदा रे, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। एक्सेप्शनल डांसर की एक खासियत होती है कि वो डांस की गुंजाइश ना होने वाले गीतों में भी नृत्य कर देते हैं। इस सॉफ्ट रोमांटिक गाने में प्रभुदेवा ने यही किया और क्या कमाल तरीके से किया। इस गाने की खास बात ये भी है कि उन चुनिंदा डब्ड गानों में से एक है जिसकी लिरिक्स भी सुंदर है। गुलशन गुलशन वादी वादी बहती है, रेशम जैसी हवा, जैसे लफ्जों पर हवा की तरह ही बहते प्रभुदेवा को देखना गजब का एक्सपीरियंस है। बॉलीवुड में डांस का मास्टर कहे जाने वाले प्रभुदेवा एक थ्रिलर मूवी के साथ बड़े पर्दे पर लौटने जा रहे थे। उनकी अपकमिंग मूवी बगीरा का टीजर रिलीज किया गया था। इसमें प्रभुदेवा साइको किलर की भूमिका में दिखाई दे रहे थे। मूवी में प्रभु के साथ एक्शन अद्विक रविचंद्रन ने किया था। टीजर को रांझना वाले धनुष ने लॉन्च किया था जो इससे पहले राउरी बेबी में प्रभु के साथ काम कर चुके थे। धनुष ने अपने ट्विटर अकाउंट पर टीजर को शेयर करते हुए लिखा था, प्रभुदेवा सर और अमायरा दस्तूर की मूवी बगीरा का टीजर शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही थी। प्रभुदेवा के गजब लुक, 1:44 के इस टीजर में प्रभुदेवा का अलग अलग रूप देखने को मिला था। कभी वो गंजे हो गए थे तो कभी तीन आंखों वाला चश्मा पहन लिया, कभी वो वकील के कॉस्ट्यूम में दिखते हैं तो कभी डॉक्टर के। इस नेगेटिव रोल में प्रभु कमाल की एक्टिंग कर रहे थे। कई जगह तो उनके साइको लुक को पहचानना भी मुश्किल था। बगीरा के टीजर में वकील के कॉस्ट्यूम में भी दिखे थे प्रभु। रोमांस करके लेते हैं जान, बगीरा मूवी की कहानी साइको किलिंग पर बेस थी जिसमें प्रभु देवा बगीरा के रोल में नजर आते हैं जो अलग अलग लड़कियों के साथ रोमांस करके उन्हें जान से मार देता है। प्रभु देवा के साथ मूवी में राम्या, जननी अय्यर, संचिता शेट्टी, गायत्री शंकर, साक्षी अग्रवाल और सोनिया अग्रवाल दिखाई दी थी। बगीरा मूवी में प्रभु देवा अमायरा दस्तूर के साथ भी रोमांस करते दिखाई दिए थे। वैसे ये मूवी कब आएगी, इसे थिएटर में रिलीज किया जाएगा या OTT पर, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। प्रभु देवा की 50th मूवी पॉन मैनी कावेल रिलीज के लिए लंबे समय से लटकी पड़ी थी जिसे डायरेक्ट किया है AC मुगिल ने। मेकर्स इसे अब थिएटर्स में भी रिलीज करने की तैयारी कर रहे थे।
इंडिया के माइकल जैक्सन कहे जाने वाले प्रभु देवा ने अपने काम से मूवी इंडस्ट्री में एक गहरी छाप छोड़ी है। साल 1994 में उर्वशी उर्वशी गाने से अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रभु देवा आज एक जाने माने कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और एक्टर हैं। यही वजह है कि आज साउथ मूवी इंडस्ट्री ने हिंदी मूवी इंडस्ट्री तक में उनका बोलबाला है। 30 साल के अपने करियर में वो तमिल, तेलुगू और हिंदी फिल्मों में अपना टैलेंट दिखा चुके हैं। इतना ही नहीं, अपनी कोरियोग्राफी के लिए वो 2 बार नेशनल अवार्ड अपने नाम करा चुके हैं। साल 2019 में उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। प्रभु देवा का डांस स्टाइल बेहद ही खास है। आज 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में कोरियोग्राफी कर चुके प्रभु देवा को डांस की प्रेरणा अपने पिता से मिली थी। आपको बता दें कि प्रभु देवा के पिता और दोनों भाई राजू सुंदरम और नागेंद्र भी डांस कोरियोग्राफर हैं। देश विदेश हर जगह प्रभु देवा का सिक्का चलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रभु देवा ही वो शख्स हैं जिन्होंने सलमान खान के करियर को बुलंदी पर पहुंचाया था। जी हाँ, उन्होंने साल 2009 में मूवी वांटेड को डायरेक्ट किया था और ये मूवी ज़बरदस्त हिट रही थी। सलमान के अलावा प्रभु देवा ने अक्षय के साथ राउडी राठौर और शाहिद के साथ राजकुमार जैसी कई हिट फिल्में बनाई। अपने किलर डांस स्टेप्स और सलमान की कई बेहतरीन फिल्मों के निर्देशक रह चुके प्रभु देवा की निजी जिंदगी में हमेशा ही उथल पुथल मची रही। एक ओर वो सफलता के शिखर को छूते रहे तो दूसरी तरफ अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान भी रहे। उन्होंने साल 1995 में रामलता से शादी की थी। लता और प्रभु के 3 बच्चे भी हुए, जिनमें से साल 2008 में कैंसर की वजह से एक बेटे की मौत हो गई। पहले से ही शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता रहे प्रभु देवा को साउथ इंडस्ट्री की सुपरहिट एक्ट्रेस नयनतारा से प्यार हो गया। बात दोनों की शादी तक पहुंच गई। खबरों के मुताबिक दोनों ने लिव इन में रहना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी खबर सुनने के बाद उनकी पत्नी ने कोर्ट का रुख किया और भूख हड़ताल की धमकी देनी शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने लता से अलग होने का फैसला कर लिया। पत्नी से अलग होने के बाद प्रभु देवा मुंबई आकर अकेले रहने लगे। लता अपने हस्बैंड प्रभु देवा से बहुत प्यार करती थी और एक पत्नी के रूप में लता ने अपनी इस शादी को बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उस दौरान लता लगातार अपनी इस रिलेशनशिप पर मीडिया से बात भी कर रही थी। तब लता ने बताया था कि नयनतारा ने उन्हें फ़ोन किया था और प्रभु देवा से अपनी दूसरी शादी के लिए उनसे परमिशन तक मांगी थी। ये खबरें भी सामने आई थी कि प्रभु देवा से शादी करने के लिए नयनतारा ने लता को 3 करोड़ रुपए के अलावा कुछ सोने के सिक्के और 85 लाख का हार तक गिफ्ट किया था। फिर तो बात खुलकर सामने आने लगी। प्रभु देवा खुद मीडिया में बयान देने लगे थे कि नयनतारा उनके लिए काफ़ी स्पेशल है और वो उनसे शादी करना चाहते हैं। हालांकि दोनों की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ गया था कि दोनों अलग हो गए और साल 2015 में नयनतारा ने विघ्नेश रिवन से शादी कर ली। प्रभु देवा का जन्म कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। प्रभु देवा के पिता मुगुर सुंदर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कोरियोग्राफर थे। प्रभु देवा ने अपने पिता की तरह ही डांसर बनने का सपना देखा और इसी को साकार भी किया। उन्होंने भरतनाट्यम के अलावा कई क्लासिकल डांस फॉर्म सीखे हैं। प्रभु देवा ने डांस में तो कमाल दिखाया ही, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान के डूबते करियर को भी किनारा दिया। साल 2002 से लेकर 2007 तक सलमान का करियर लगभग डगमगा चुका था। ये वो वक्त था जब सलमान की कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी और उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे में प्रभु देवा ने मसीहा बनकर सलमान की नैया पार लगा दी। प्रभु देवा ने पहली बार सलमान खान के साथ 2009 में आई मूवी वांटेड में काम किया था। ये उनका बॉलीवुड में डेब्यू था। इस मूवी में प्रभु निर्देशक थे, डांस में महारत हासिल कर चुके थे। प्रभु देवा ने निर्देशन में भी कमाल कर दिया था। ये मूवी ऑडियंस के बीच मुकाबला की है। इस मूवी में प्रभु देवा ने ऐसा डांस किया जिसे देखकर ऑडियंस भी हैरान रह गई थी। आज भी प्रभु देवा का डांस लोगों के दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। बता दें कि प्रभु देवा साउथ फिल्मों के सफल एक्टर और निर्देशक तो रहे ही हैं, लेकिन बॉलीवुड सिनेमा में उन्हें आज भी एक उम्दा डांसर के रूप में पहचाना जाता है। प्रभु देवा के पिता भी एक ज़बरदस्त डांसर थे जो साउथ इंडियन फिल्म्स में बतौर डांस मास्टर थे। उनका पूरा परिवार ही डांस में संबंधित है। उनके दोनों भाई राजू सुंदरम और नागेंद्र प्रसाद भी कोरियोग्राफर ही हैं। प्रभु देवा भले ही अपने
शैक्स नुम्मा डांस के लिए मशहूर हो, लेकिन असल में वो क्लासिकल डांसर है। अपने सफर के बारे में प्रभु देवा ने एक इंटरव्यू में खुलकर बात की थी। प्रभु देवा ने बताया था, मैं दरअसल एक क्लासिकल डांसर हूँ, मैंने भरतनाट्यम सीखा है, मैंने अपने गुरुओं से, उसी दौरान माइकल जैक्सन की एल्बम थ्रिलर आई थी, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा असर माइकल जैक्सन का रहा है। कहा जाता है बतौर डांस निर्देशक उनकी पहली मूवी वेतरी विजय भी थी। उन्होंने साल 1994 में मूवी इंदु की थी। उनके अब तक के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में कोरियोग्राफी कर रखी है। कमल हसन इन दिनों अपनी मूवी कल्कि और इंजन 2 के चलते सुर्खियों में हैं। अब उनकी बेटी श्रुति हसन भी मूवी में धमाल मचाने वाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक श्रुति हसन थलापति विजय की मूवी में नज़र आएंगी। कहा जा रहा है कि वो थलापति विजय की आखिरी मूवी है, क्योंकि इस मूवी के बाद एक्टर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगे और राजनीति में नजर आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कमल हसन की बेटी श्रुति हसन थलापति विजय की मूवी गोट में नजर आएंगी। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थलापति विजय की 68th मूवी है। मेकर्स ने अभी तक इस खबर पर साबित नहीं हो रही तब सेनापति को बुलाते हैं। उसके वापस आने पर क्या कुछ घटता है, यही आगे की कहानी है। हर कहानी में हमें ड्यूअलिटी देखने की आदत पड़ चुकी है। आप एक किरदार के समर्थन में खड़े होते हैं, उसके लिए चेयर करते हैं, उसे जीतते हुए देखना चाहते हैं, फिर आता है उसका दुश्मन जो अपनी राय में सही हो सकता है मगर वो आप किसी विचार या मूल्य को विलन बनाकर अपने हीरो के सामने खड़ा नहीं कर सकते, उसके प्रतीक की जरूरत पड़ेगी। इस बात को राजकुमार हैरानी की दो फिल्मों से समझते हैं। पीके में आमिर खान का किरदार भगवान के नाम पर धंधा करने वाले लोगों को पोल खोलना चाहता है। यहाँ सौरभ शुक्ला का किरदार उस व्यवस्था को दर्शाता एक प्रतीक बनता है। एंड वाले सीन में आप पीके को उसके खिलाफ जीतते देखना चाहते हैं, जबकि डंकी में उस सिस्टम को दोष दिया गया जो नौजवानों को ऐसे हालात में अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देता है। यहाँ प्रतीक रूप में शाहरुख खान के सामने कोई नहीं था, वो कमी आपको डंकी में खलती दिखती है। शंकर की मूवी शिवाजी में भी रजनीकांत का कैरेक्टर भ्रष्टाचार से लड़ता है, लेकिन उसके सामने उसके प्रतीक के रूप में एक मंत्री है। इंडियन 2 में ऐसे कई सारे भ्रष्ट लोगों को दिखाया गया, लेकिन उनमें से अधिकांश बस चुनिंदा सीन के लिए थे। सेनापति आकर उन्हें मार डालता है। बस एस जे सूर्या का किरदार पूरी मूवी में बीच बीच में नजर आता रहता है। किसी एक विलन का ट्रैक पूरी मूवी में नहीं चलता। मूवी की राइटिंग सेट अब ज़रूरत से ज़्यादा समय ले लेती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस मूवी को तीसरे पार्ट के सेटअप की तरह बनाया गया है। अब तीसरे पार्ट में भले ही कुछ तगड़ा कर दे, लेकिन इस सब से इंडियन 2 को कोई भी मदद नहीं मिलती है। खैर, ये तो रही इंडियन 2 की बात, लेकिन यहाँ हम श्रुति हसन की गोट की बात कर रहे थे, तो हो सकता है कि हमें उनका छोटा सा कैमियो रोल भी देखने को मिल जाए गोट में। तमिल फिल्म सितारों ने कॉलीवुड में कई भूमिकाएं निभाई हैं और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए सितारों ने भारत भर के अन्य मूवी उद्योगों में भी अपनी पहचान बनाई है। जहां कई बॉलीवुड सितारों ने कॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है, वहीं क्षेत्रीय फिल्म उद्योग की कुछ अभिनेत्रियां अभी भी दक्षिण भारत में अपनी पहचान बनाए हुए है। ऐसी एक मिसाल है अभिनेत्री त्रिशा। साउथ क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर इस अभिनेत्री ने तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है और वो 20 साल से भी ज़्यादा समय से मनोरंजन उद्योग में काम कर रही हैं और शायद अब वो गोट मूवी में कैमियो रोल अदा करेंगी, लेकिन इसको लेकर कोई अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। खैर, अगर त्रिशा की बात करें तो तमिल और तेलुगु के अलावा त्रिशा ने हिंदी मूवी में भी हाथ आजमाया है और उनकी स्टारर खट्टा मीठा 2010 में रिलीज हुई। अक्षय कुमार के साथ अभिनीत ये मूवी एकमात्र बॉलीवुड प्रोजेक्ट है जिसका अभिनेत्री हिस्सा थी और उन्होंने जल्द ही बॉलीवुड में अपने छोटे करियर को समाप्त कर दिया। अपने एक पुराने इंटरव्यू में अभिनेत्री ने एक बार कहा था कि वो बॉम्बे शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए उसने बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के लिए साइन अप नहीं करने का फैसला लिया। लेकिन पिछले कुछ सालों में त्रिशा को कई ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन अभिनेत्री कथित तौर पर बॉम्बे में अपना ध्यान केंद्रित करने में इंटरेस्ट नहीं रखती हैं। अभिनेत्री ने अपने पहले के इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो फिर से सब कुछ स्टार्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें पीछे छोड़ देंगी। काम की बात करें तो त्रिशा को आखिरी बार तमिल मूवी लियो में देखा गया था जिसमें विजय थलापति थे और इस बार भी विजय थलापति की मूवी यानी गोट में इनके नाम के चर्चे हो रहे हैं। कैमियो के लिए सही बट हो तो रहे हैं। अब वो अजीत के साथ
अजय बेजान में भी अपनी मूवी विद्या मुयाची की शूटिंग कर रही थी। अभिनेत्री ने मणि रत्नम द्वारा निर्देशित ठग लाइफ के लिए भी साइन अप किया है। मूवी में कमल हसन, जयराम रवि, गौतम कार्तिक, जोजू जॉर्ज, ऐश्वर्या लक्ष्मी जैसे कलाकार हैं। उनके हुस्न का जादू कई बार मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय पर भी भारी पड़ा है। अपनी अदाओं से वो अक्सर फैंस को घायल कर देती हैं। बात हो रही है PS2 फेम त्रिशा कृष्णन की, जो इस वक्त सुर्खियों में है। आज हम आपको उनकी जिंदगी के उन किस्सों से रूबरू करा रहे हैं जिनकी वजह से वो सुर्खियों में रही। 4 मई 1983 के दिन चेन्नई में जन्मी त्रिशा किसी पहचान की अब मोहताज नहीं रही। त्रिशा भले ही इस वक्त PS2 की कामयाबी के जहाज पर सवार है, लेकिन इससे पहले भी वो तमाम फिल्मों में नाम कमा चुकी है, या यूं कह लीजिए कि साउथ मूवी इंडस्ट्री में तो त्रिशा के नाम का सिक्का चलता है। तमिल तेलुगु फिल्मों से नाम कमाने वाली त्रिशा बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जलवा दिखा रही हैं। त्रिशा ने अपनी एक्टिंग से जितना नाम कमाया उससे ज़्यादा सुर्खियां उन्होंने विवादों की वजह से बटोरी। दरअसल वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रह चुकी हैं। इनमें सगाई टूटने से लेकर प्राइवेट फोटो लीक होने और शादीशुदा मर्दों से इश्क तक के किस्से शामिल हैं। आइए हम आपको उनकी विवादों भरी जिंदगी से रूबरू कराते हैं। त्रिशा का नाम सबसे पहले साउथ के सुपरस्टार विजय के साथ जुड़ा था। दरअसल साल 2005 के दौरान त्रिशा और थलापति विजय के कथित अफेयर ने सुर्खियां बटोरी। दोनों की मुलाकात मूवी गिल्ली के सेट पर हुई और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। इससे विजय की माना है कि उनके पास फिलहाल में जो है उससे बड़ी कार और अब उनके पास एक बड़ा घर हो सकता था। इस बीच उन्होंने इस बात को बताया कि इंडस्ट्री में 30 साल तक टिके रहना बड़ा घर और कार चाहने से ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने हर 2 साल में 6 महीने काम किया और फिर अगले 2 साल तक उनके पास कोई काम नहीं था, इसलिए उन्हें अक्सर दिवालियापन का सामना करना पड़ा। एक्टर के मुताबिक एक समय में हालात उनके लिए इतने बुरे हो गए कि उनके बैंक खाते में 2 लाख रुपये से भी कम रह गए। एक्टर ने स्ट्रगल पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने एक बार सोचा था कि उन्हें इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिलेगा। आपको समझ में आता है आसपास बहुत कुछ बदल रहा है और वो इतनी तेज़ी से बदल रहा है, और मैं सही बताऊं आसान नहीं होता कि नहीं मिलता है तो देखा जाएगा, क्योंकि काम तो तुम केवल एक ही करना जानते हो। कभी टीवी के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले अभिनेता वरुण बडोला अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभिनय के साथ साथ लेखन और निर्देशन भी कर रहे हैं। इस क्रम में वो हालिया प्रदर्शित वेब सीरीज जमुना पार में के डी बंसल की भूमिका में नजर आए, जो अपने बेटे को पेशेवर तौर पर विरासत संभालने के लिए दबाव डालता है। बच्चों की परवरिश, सिनेमा में क्षेत्रवाद और शौक को प्रोफेशन बनाने पर उन्होंने साझा किए अपने विचार। माता पिता द्वारा बच्चों पर अपनी पसंद का पेशा चुनने के दबाव को आज के दौर में आप किस तरह से देखते हैं? अगर कोई माता पिता अपने बच्चे के अच्छे भविष्य को देखते हुए उसे अपनी विरासत या व्यापार संभालने के लिए कहता है तो इसमें बहुत कुछ गलत तो नहीं है? हालांकि मुझे पहले भी इस चीज़ से थोड़ी परेशानी थी। हमारे यहाँ कुछ माता पिता स्वयं भले ही कुछ ना कर पाए, लेकिन सोचते हैं कि वो बच्चों का करियर बना देंगे। मुझे इसमें कोई तर्क नहीं दिखता, मेरा ये सोच थोड़ा विवादास्पद है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे यहाँ पहले गुरुकुल की परंपरा थी तब शिक्षक पहले देखते थे कि बच्चा किस तरह की शिक्षा लेने लायक है। पश्चिमी देशों की तुलना और विकास की दौड़ में भागते भागते हमने एक ऐसी शिक्षा पद्धति खड़ी कर दी जहां हर कोई एक ही लीग पर भाग रहा है। गुरुकुल के दौर में जो शस्त्र उठाता था उसे लड़ना सिखाया जाता है, कुम्हार को घड़े बनाना, और जो खेती करना चाहता था उसे खेती ही सिखाई जाती थी। वैसे भी हिंदुस्तान में शौक की कीमत तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। अब इस शौक को पेशा बनाने की राह में आपको क्या कीमतें चुकानी पड़ी? इस पर वरुण का कहना था, एक्टिंग तो अभी भी मेरे लिए शौक ही है। हाँ, ये मेरा भाग्य है कि उसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं। इंडस्ट्री में कई लोग हैं जो शायद साल में 200 दिन काम करते हैं। मैं एक साल में कुल मिलाकर 30 से 60 दिन काम करता हूँ। किसी साल में 60 दिन काम कर लिया तो मेरे लिए बड़ी बात होती है। हमारे पेशे में तैयारी का समय बहुत ज़्यादा होता है, उसे प्रस्तुत करने का बहुत कम। हाँ, 29 या 60 दिनों में जो भी काम करते हैं उसे इतनी शिद्दत से करें कि लोग सालों साल तक आपके बारे में बात करें। हर पेशा, हर शौक आपसे एक कीमत मांगता है। अगर आप अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर मढ़े बगैर वो कीमत अदा करने के लिए तैयार है,
तभी आपको उस राह में आगे बढ़ना चाहिए। अपने बेटे का कैसे मार्गदर्शन वो करते हैं और मार्गदर्शन तथा पसंद में दखल अंदाजी में कितना फर्क है, इस पर जब वरुण ने कहा कि आजकल के बच्चों के लिए दुनिया पूरी खुली हुई है, जो सारी चीज़ें हमें कूट कूट कर सिखाई गई है वो सब बच्चों को आज यूं ही पता है। बच्चों को पूरी स्वतंत्रता देने का महत्व हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर कोई पौधा गमले में उगाए तो वो सीमित विकास पाता है, अगर उसे ज़मीन पर लगाए तो मनचाहा विकास करता है। कुछ पौधों को दिशा दिखाने या चढ़ने के लिए डोर या सहारा भी दिया जाता है। बच्चों पर नज़र रखें, जहाँ कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो उन्हें बताएं, लेकिन उन पर पूरी तरह से हावी नहीं हो जाए। वो ना मेरे साथ हुआ ना मैं वो अपने बेटे के साथ करूँगा। इसके बाद उनसे पूछा गया कि शो में क्षेत्रवाद की परेशानियां भी दिखाई गई हैं। हाल ही में अभिनेता मनोज वाजपेयी ने भी इस पर बोला था, सिनेमा इंडस्ट्री में आप इसे कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी औकात आपके शहर की कीमत बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, स्टार बनने से पहले लोग अक्सर कलाकारों से पूछते हैं कि किस स्कूल से पढ़ाई की है, वहीं स्टार बनने के बाद उसी स्कूल का नाम उस स्टार के नाम से पहचाना जाता है। इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना होता है, वो है स्वयं का विकास। अगर लोगों के नज़रिए से खुद को परखने की कोशिश करेंगे तो हमेशा इसी फेर में पड़े रह जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए उससे बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। बतौर निर्देशक अगला प्रोजेक्ट कब ला रहे हैं, जब ये पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा, इस साल के आखिर में वेब सीरीज़ ये काली काली आंखें का दूसरा सीज़न आएगा। हालांकि मैंने उसका भी पूरा सीज़न निर्देशित नहीं किया है, पूरा सीज़न निर्देशित करने के लिए मुझे एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी और हो सकता है लेखन भी छोड़ना पड़े, क्योंकि निर्देशन आसान काम नहीं है। इस मूवी का निर्माण करीब 50 करोड़ के बजट में किया गया था। इसने भी बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की थी। मूवी ने 100 करोड़ से ज़्यादा, करीब 114 करोड़ का कलेक्शन किया था। डायरेक्टर एटली कुमार के निर्देशन में बनी मर्सल को 2017 में रिलीज किया गया था। इसमें थलापति विजय ने लीड रोल प्ले किया था। इसने वर्ल्ड वाइड 260 crore का कमाई किया। इसके साथ ही ये 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली एक्टर की पहली मूवी रही थी। वही मूवी ने भारत में केवल 170 करोड़ का कलेक्शन किया था। थलापति विजय इस वक्त अपनी दो बड़ी फिल्मों पर काम कर रहे हैं, पहली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और दूसरी थलापति 69। यहाँ दोनों फिल्मों पर बड़े बड़े अपडेट सामने आ रहे थे। किसी बीच उनकी 20 साल पहले आई मूवी घिल्ली को बॉक्स ऑफिस पर दोबारा रिलीज कर दिया गया। थलापति विजय और त्रिशा कृष्णन की ये मूवी साल 2004 में आई थी। ऐसे में 20 साल पूरे होते ही मेकर्स ने इसे 20 अप्रैल को दोबारा सिनेमाघरों में उतारा था। मूवी को पहले दिन में थिएटर्स में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा था। ओपनिंग डे पर ही घिल्ली ने रजनीकांत की लाल सलाम और शिवा कार्तिकेयन की अलायंस से ज़्यादा की कमाई कर ली थी। इतना ही नहीं, 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में आई अक्षय कुमार की बड़े मियाँ छोटे मियाँ और अजय देवगन की मैदान को भी इसने पीछे छोड़ दिया था। थलापति विजय की मूवी अब साल 2004 में रिलीज हुई थी तो इसने 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। अब फिल्म दोबारा रिलीज होने के बाद भी वैसा ही गर्दा उड़ा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मूवी ने पहले ही दो दिनों में 8.50 crore का कारोबार कर लिया था। वहीं मंडे यानी तीसरे दिन मूवी ने 1.75 crore रुपए छाप डाले थे, जिसके बाद मूवी का टोटल कलेक्शन हो गया था 10.25 crore रुपए। मंगलवार को कमाई में कुछ गिरावट दर्ज की गई थी, पर बावजूद इसके मूवी ने 1.65 crore के करीब वो पहुँच ही गई। थलापति विजय की मूवी घिल्ली ने चार दिनों में भारत से 11.75 crore रुपए का कारोबार कर लिया था, जो हाल ही में रिलीज हुई किसी भी साउथ मूवी से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो मूवी ने 15.50 crore का बिजनेस कर लिया था। वहीं बात अगर अक्षय कुमार की बड़े मियाँ छोटे मियाँ की करें तो मूवी ने भारत से 13 दिनों में 56.85 crore रुपए का कारोबार किया था। वहीं अजय देवगन की मैदान ने 37.05 crore कमाए हैं। ये आंकड़े रिपोर्ट के मुताबिक हैं। अगर इन दोनों फिल्मों के साथ थलापति विजय की घिल्ली की तुलना की जाए ना, तो अक्षय कुमार की मूवी ने बीते ही 5 दिन में केवल 6.95 crore का कमाई किया था। वहीं मैदान ने पिछले 5 दिनों में 8.7 crore रुपए का कारोबार किया था, जो थलापति विजय की मूवी से काफ़ी कम था।
दरअसल उनकी मूवी 20 साल पुरानी मूवी ने भी दोबारा रिलीज होने के बावजूद पिछले 4 दिनों में 11.7 CR का बिजनेस कर लिया था। वहीं अगर पिछले साल रिलीज हुई वारिसु की बात करें तो थलापति विजय रोज मूवी की कमाई ट्रैक हो रही थी कि बाजी किस सुपरस्टार के हाथ लगेगी। ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में थुनिवु ने वारिसु को बेहद कम मार्जिन से पीछे छोड़ दिया था, मगर फिर थलापति विजय की वारिसु ने जो रफ्तार पकड़ी, दो सुपरस्टार्स के टकराव के बीच वारिसु के डायरेक्टर वामशी से एक रिपोर्टर ने बड़ा असहज करने वाला सवाल पूछ डाला। कहा कि थुनिवु तमिलनाडु में वारिसु से अच्छा परफॉर्म कर रही है, इस बारे में उनका क्या कहना है? अब जिस डायरेक्टर की मूवी कम पैसे कमा रही है वो इस सवाल का क्या ही जवाब दे सकता था। फिर भी वामसी ने जैसे तैसे करके ये मामला संभाल लिया। वारिसु थलापति विजय की पिछली फिल्मों जितनी धुआंधार कमाई तो नहीं कर पाई थी, मगर वारिसु ने शुरुआती 6 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। मूवी की कमाई 120 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही थी, मगर मेकर्स ने जो पोस्टर रिलीज किया उसमें मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 150 करोड़ रुपये था। दूसरी तरफ सुपरस्टार अजीत की थुनिवु ने भी दुनिया भर से 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। 16 जनवरी यानी बीते सोमवार यानी पिछले साल तक मूवी का ग्लोबल कलेक्शन 102 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा था। इस मूवी को जी स्टूडियोज के साथ मिलकर बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसे ह्यूज ब्लॉकबस्टर वर्ल्ड वाइड करा दिया था, मगर मूवी की एग्जैक्ट कमाई नहीं बताई गई थी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक क्लिप चल रही है, इसमें एक रिपोर्ट वारिसु के डायरेक्टर वामशी से पूछा जा रहा है कि थुनिवु वारिसु से अच्छा परफॉर्म करी है। इस पर वामशी ने कहा था, इस बात पर बहस ने प्लेटफॉर्म एक्स पर फोर्स केरलम नाम के एक हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इसमें लिखा हुआ था कि साल की मोस्ट अवेटेड बड़ी रिलीज में से एक अपने VFX के अधूरे काम के कारण देरी से रिलीज हो सकती है। हालांकि इसमें कहीं भी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का नाम नहीं लिखा था। सोशल मीडिया पर विजय के ऑडियंस के बीच खलबली सी मच गई। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की रिलीज को लेकर चर्चा स्टार्ट हो गई। अब इस अफवाह पर एड्रियस एंटरटेनमेंट की क्रिएटिव प्रोड्यूसर की ओर से जवाब आ गया था, जिन्होंने साफ शब्दों में से झूठ करार देते हुए सारी अगर मगर को दूर कर दिया। अर्चना कलपति ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये सच नहीं है, हम पूरी तरह से सही रास्ते पर हैं और एक बेहतरीन मूवी बनाने के लिए 24 घंटे और सातों दिन काम कर रहे हैं। उन्होंने गुजारिश करते हुए आगे लिखा कि कृपया नेगेटिविटी और झूठी खबरें ना फैलाएं। मूवी 5 सितंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। अर्चना को अपनी सफाई वाले ट्वीट के बाद पता चला कि फोर्स केरलम के ट्वीट में तो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का जिक्र ही नहीं था। इसके बाद उन्होंने गलती स्वीकार करते हुए लिखा कि माफ़ करें, अभी पता चला कि आपने गोट को टैग नहीं किया था। उन्होंने फिर एक बार बताया कि मूवी 5 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज होगी। खैर जो भी हो, अर्चना के ट्वीट के बहाने से विजय के फैंस की चिंता तो दूर हो गई। गोट के निर्देशक वेंकट प्रभु वर्तमान में लॉस एंजलिस में अपनी आगामी मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देखरेख कर रहे हैं। थलापति विजय अभिनीत गोट या द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 2024 की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। मूवी निर्माताओं ने गोट पर काम कर रही लोला VFX कंपनी के सामने अपनी तस्वीरें शेयर की। उन्होंने बताया कि मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन कार्य तेजी से चल रहा है। लॉस एंजल्स से तस्वीर शेयर करते हुए वेंकट प्रभु ने लिखा, पोस्ट प्रोडक्शन पूरी तरह से जोरों शोरों पर है। अगर आप देखें तो इस मूवी का नाम भले ही द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, लेकिन इसे शॉर्ट में गोट लिखा जा रहा है, जो पॉपुलर वेब सीरीज गोट से मेल खाता है। लेकिन अब इन दोनों का भी कॉमन लिंक मिल गया है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। इस मूवी की बात करें तो हाल ही में इसे लेकर ये अपडेट आया था कि मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। अब ये भी कंफर्म हो गया है कि इसका VFX कौन करेगा। इसकी जिम्मेदारी विजुअल इफेक्ट कंपनी लोला VFX ने ली है। ये कोई छोटी मोटी VFX कंपनी नहीं है, इस कंपनी ने कई सारे बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स का भी VFX किया है। लोला VFX की बात करें तो इस कंपनी ने कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर, एंट मैन और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी सीरीज का भी VFX किया है। इसके अलावा दिग्गज सुपरस्टार कमल हसन की अपकमिंग मूवी यानी रिलीज हो चुकी मूवी इंडियन 2 के VFX का भी काम
इन्होंने ही संभाला था। अब इससे तो ये साफ है कि विजय की ये मूवी तहलका मचाने की तैयारी में है। मूवी की प्रिपरेशन अच्छी जा रही है। इससे पहले विजय कई फिल्मों में डबल रोल प्ले कर चुके हैं। अब वे इस मूवी के जरिए एक बार फिर से डबल रोल में नजर आएंगी। गोट का डायरेक्शन वेंकट प्रभु कर रहे हैं और ये मूवी 5 सितंबर 2024 को रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाने वाले थलापति विजय की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। 22 जून 1974 के दिन जन्मे विजय का असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद उन्होंने अपने नाम में बदलाव किए थे। वो अब तक तमाम दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान कड़ी मेहनत के दम पर बनाई। बता दें कि विजय को बचपन से ही एक्टिंग की खुराक मिलने लगी थी। दरअसल उनके पिता तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बतौर निर्माता और प्रोड्यूसर काम करते थे। यही वजह रही कि विजय ने बाल कलाकार के रूप में ही अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। उस वक्त विजय की उम्र महज 10 साल की थी, जिसके बाद उन्हें लीड किरदार के ऑफर मिलने लगे। महज 18 साल की उम्र में विजय ने बतौर लीड एक्टर पहली मूवी की थी। उन्होंने साउथ सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिन्होंने विजय को घर घर में मशहूर कर दिया। विजय अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। उनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में भी आ चुका है। वहीं फीस के मामले में वो रजनीकांत को भी अब पीछे छोड़ चुके हैं। एक वक्त था जब वो रजनीकांत की तरह चाहते थे कि लोग उनके लिए तालियां बजाएं, सिनेमा घर तक आए, और आज वो दिन है जब वो रजनीकांत को भी पीछे छोड़ चुके हैं। इस वक्त विजय एक मूवी के लिए 65 से 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। विजय की नेटवर्थ की बात करें तो 420 CR के मालिक हैं। उनकी सालाना कमाई करीब 100 से 120 करोड़ रुपए है। थलापति विजय अब तक तमाम फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनमें राजीवन, परवलिए, मिनसीरा, कन्ना, बीश, शाहजहां, दी बॉडीगार्ड, थलाइवा, भैरवा, पूली, बिग गर्ल, थैरी, रॉ और वरीसू आदि फिल्में श्री मक्कल यक्कम भी चलाते हैं, जिसके माध्यम से वो गरीबों की मदद करते हैं। विजय अक्सर कहते हैं कि अगर रजनीकांत नहीं होते तो वो कभी सिनेमा में नहीं आते। विजय थलाइवा के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी प्रेरणा से ही एक्टिंग की दुनिया में आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विजय के थलापति विजय बनने का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। बचपन में गरीबी में पले विजय, जिनकी पहली सैलरी मात्र 500 रुपए की थी, उनके लिए स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ना किसी बड़े सपने से कम नहीं रहा। इस रिपोर्ट में बताते हैं कि विजय के स्टार बनने के शानदार सफर। विजय की फैन फॉलोइंग देश ही नहीं विदेशों में भी है। बतौर लीड एक्टर ने वो 65 फिल्मों में अब तक काम कर चुके हैं। 10 साल की उम्र में विजय ने बतौर चाइल्ड एक्टर फिल्मों में अपनी पारी स्टार्ट की थी। 1984 में आई मूवी वेत्री में उन्होंने काम किया था। उनकी पहली ब्लॉकबस्टर मूवी 1996 में आई थी, जिसका नाम पूवी उनकग्गा था। विजय की सुपर डुपर हिट फिल्मों में सरकार, मर्शल, कावलन, ननबन, थुपक्की, कथी जैसी मूवी शामिल है। विजय का जन्म चेन्नई में हुआ। उनके पिता एस ए चंद्रशेखर तमिल मूवी डायरेक्टर हैं। उनकी माँ शोभा प्लेबैक सिंगर और कर्नाटक वोकलिस्ट हैं। शुरुआती दिनों में विजय की फैमिली के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। वे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनकी माँ शोभा कंसर्ट में गाती थी, जिनका रोजाना का मेहनताना 100 रुपये होता था। इन 100 रुपये पर विजय का परिवार चलता था। जिस दिन विजय एक्टिंग डांस भी फैंस के बीच पॉपुलर है। अब बात करते हैं विजय की पर्सनल लाइफ की। विजय की शादी हो चुकी है। उनकी पत्नी श्रीलंकन तमिल है। इस शादी से विजय के 2 बच्चे भी हैं। बोट की टीम रूस में मूवी के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग में अप्रैल में जुटी थी। इस बीच विजय की फाइनल मूवी को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। साउथ सुपरस्टार विजय इन दिनों अपनी मूवी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को लेकर चर्चा में है। इस मूवी की रिलीजिंग की तैयारी चल रही है। इसके अलावा विजय अपनी राजनीतिक पारी भी स्टार्ट कर चुके हैं। बीते दिनों उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया, मगर इससे पहले वो अपनी एक और मूवी ऑडियंस को देंगे, जिसे फिलहाल थलापति 69 कहा जा रहा है। इस फाइनल मूवी की शूटिंग के बाद वो फिल्मी पारी को विराम दे देंगे। इस बीच विजय की फाइनल मूवी को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। कहा जा रहा है कि विजय थलापति 69 के लिए करीब 250 करोड़ रुपए फीस ले रहे हैं।
इस मूवी का निर्देशन एच विनोद कर रहे हैं। विजय न सिर्फ तमिल सिनेमा के चरम पर पहुंचकर संन्यास लेने वाले भी वो पहले कलाकार होंगे। थलापति विजय का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता तमिल फिल्मों के एक बहुत जाने माने डायरेक्टर थे जिनका नाम चंद्रशेखर था। थलापति विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनकी माता का नाम शोभा चंद्रशेखर है। विजय की पहली मूवी से ही क्रिटिक्स से लेकर लोगों ने सब ने उसे जानकारी दिया था और जब उसके बारे में उसकी पहली मूवी रिलीज होने के बाद अखबारों और मैगजीन्स ने इतने गलत गलत शब्द छापे कि वो एक्टर अपनी पहली मूवी के रिलीज़ के बाद रात भर बैठ कर रोया। फिर भी उस एक्टर ने हार नहीं मानी और अपने आप पर मेहनत करते रहे और आज वो इंडस्ट्री के इतने बड़े कलाकार हैं कि उनकी अपनी मूवी के रिलीज़ के दिन कोई प्रमोशन नहीं करना पड़ता। उनके फैंस उनकी मूवी का प्रमोशन खुद ही कर देते हैं। उनकी मूवी जिस दिन रिलीज़ होती है उसे दिन उनके फैंस फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। अगर मूवी में उनको किसी गलत रूप में दिखाया जाए तो उनके फैंस थिएटर में ही आग लगा देते हैं। तोड़फोड़ बेटे विजय को फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर डेब्यू करवाया था। विजय बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहते थे। वो जब रजनीकांत को देखते थे तब उनका भी यही सपना था कि उनको भी लोग देखने के लिए सिनेमा हॉल में आए और उनके लिए भी तालियां बजाए सीटियां बजाए और इसके लिए उन्होंने अपने पिता से कहा। तब उनके पिता ने उन्हें साफ मना कर दिया था और बहुत ज़्यादा उनको मनाने पर उनके पिता ने कहा कि चलो अपना ऑडिशन दो। तब उन्हें अपने ऑडिशन से उनका दिल जीत लिया और बताओ और एक्टर अपनी पहली मूवी का जश्न मनाते। लेकिन उनकी पहली मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप रही और उन्हें हर जगह से इसके लिए आलोचना मिली, परंतु उन्होंने अपने आप पर काम किया और आज वो तमिल इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। थलापति विजय के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी पहली फिल्म के लिए अपने पिताजी से अप्रोच ही नहीं किया होता तो शायद वो आज इतने बड़े लेवल पर नहीं होते। अगर उन्होंने अपनी पहली मूवी के फ्लॉप हो जाने और लोगों की आलोचना से डर कर अगली मूवी नहीं करते तो शायद ही आज वो तमिल इंडस्ट्री के इतने बड़े सुपरस्टार बन पाते। एक्टर की पहली हिट मूवी पूव उनक्कगा थी। इस मूवी ने न केवल थलापति विजय को हिट करियर दिया बल्कि फ्यूचर वाइफ से भी मिलवाया। पूव अनुकग्गा की सफलता के बाद विजय अपनी नई मूवी की तैयारी में जुटे हैं। वो चेन्नई की मूवी सिटी में शूट कर रहे थे तभी एक फ़ैन आई और उनसे मिलने की जिद करने लगी। ये फ़ैन कोई और नहीं बल्कि संगीता यानी उनकी पत्नी थी। वो एक्टर की हिट मूवी की तारीफ करने के लिए विजय से मिली थी। दोनों की इस तरह मीटिंग हुई थी। पहली मुलाकात में थलापति और संगीता एक दूसरे के करीब आने लगे। एक्टर ने तो लेडी फैन को माता पिता के साथ घर पर इनवाइट भी कर डाला था। विजय के इनविटेशन के बाद संगीता एक्टर के घर गई और उनके परिवार से भी मिली। एक बार एक्टर की माँ शोभा ने बहू संग पहली मुलाकात पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि वो बहुत ही कैजुअल सी मुलाकात थी, कहते हुए कि विजय के पिता एस ए शंकर ने बेटे और संगीता की दूसरी मुलाकात में ही साफ कह दिया था कि क्या वो उनके परिवार की बहू बनना चाहेंगी, क्या वो विजय से शादी करेंगी। फिर क्या, संगीता ने शादी के लिए हाँ कह दिया और इस तरह वो उनके परिवार की बहू बन गई। संगीता थलापति विजय की वाइफ तमिल इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी हैं जो कि यूके में सेटल है। संगीता के पिता श्रीलंका से ताल्लुक रखते हैं। संगीता हिंदू परिवार से आती है जबकि थलापति विजय क्रिश्चियन है, लेकिन दोनों ने हिंदू रीति अगस्त 1999 में ही शादी की थी। गोट का मुख्य आकर्षण विजय का कम उम्र का लुक है जिसने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। ट्रेलर रिलीज के अवसर पर आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान निर्देशक वेंकट प्रभु और मूवी के निर्माता ने विजय को 23 वर्षीय युवक के रूप में चित्रित करने के लिए उन्नत डी एजिंग तकनीकों का उपयोग पर चर्चा की। वेंकट प्रभु ने विजय के युवा रूप के लिए अपनी कल्पना व्यक्त की और अभिनेता ने भी इस पर सहमति व्यक्त की तथा इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि उनकी युवा छवि काफ़ी हद तक उनके युवा रूप से मिलती जुलती है। गोट टीम ने मूवी के विजुअल इफेक्ट्स के लिए हॉलीवुड VFX साझेदार के साथ अपने सहयोग पर भी बात की क्योंकि भारत में अभी आवश्यक तकनीक उपलब्ध नहीं है। ट्रेलर में विजय के दो अलग अलग डी एज लुक दिखाए गए हैं जिन्हें 3D डी एजिंग तकनीक के जरिए हासिल किया गया है।
खास बात तो ये है कि मूवी में विजय के दोहरे किरदार लगभग 30 मिनट तक स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इसके अलावा गोट उर्फ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को मुख्य रूप से विदेश में फिल्माया गया है और इसमें कई आश्चर्यजनक चीजें शामिल है जिन्हें बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। तेलुगु और हिंदी दर्शकों के लिए विशेष रूप से शूट किए गए सीन्स हैं। गोट का ट्रेलर रिकॉर्ड तोड़ रहा है क्योंकि इसे 20 घंटों के भीतर 23 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है और ये पहले 24 घंटों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला तमिल ट्रेलर बनने की स्थिति में है। वेंकट प्रभु की स्टार स्टेटेड मूवी में युवान शंकर राजा ने संगीत दिया है और ये मूवी एक बेहतरीन कमर्शियल एंटरटेनर बनने का वादा रखती है। साउथ सुपरस्टार विजय इन दिनों मानक अब गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी फिल्म के दूसरे कर्ट रसेल सीन को माना जाता है। शायद ये एक प्रमुख मोशन पिक्चर थी जिसमें अभिनेता पर कायाकल्प करने वाले प्रभाव इतने अच्छे से किए गए थे कि अनजान ऑडियंस ने भी कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया और ये सब मेकअप और पेशेवर CGI का उपयोग करके पॉसिबल हुआ। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन डी एजिंग तकनीक को अक्सर स्क्रीन डबल कास्ट के साथ जोड़ा जाता है ताकि अभिनेता के डी एज्ड वर्जन जैसा दिख सके। कर्ट रसेल के साथ भी ऐसा ही हुआ। यहाँ कर्ट अपने युवा डबल ओरोन के एक व्यक्ति ने उस सीन को निभाया। उसके हाव भाव और चेहरे के भावों को फिर से ओरोन ने दोहराया। इसके बाद रसेल पर उनका युवा त्वचा को डिजिटल रूप से लागू किया गया। मूवी के लिए भी CGI को संसाधित करने में पूरे सीन को 2 महीने लग गए। प्रोस्थेटिक के उपयोग का एक और हाई प्रोफाइल उदाहरण हाल ही में प्रदर्शित किया गया है आयरिशमैन में। मुख्य अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो और अल पचीनो जो 76 और 79 वर्ष के हैं और मूवी में 40 वर्षीय पुरुषों की भूमिका निभा रहे हैं। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में इस्तेमाल की गई तकनीक के विपरीत डी नीरो को अलग तरीके से कम उम्र का दिखाया गया था। अभिनेता ने कैप्चर हेलमेट और मार्कर पहनकर काम करने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए विशेष रूप से इस मूवी के लिए ILM स्टूडियो टीम ने अपना खुद का कार्यक्रम बनाया। इसने वीडियो निर्माताओं को बिना किसी मार्कर के फुटेज से अभिनेता के चेहरे के भावों का अलग करने की अनुमति दी। एक सेटअप पर 3 कैमरास के साथ फिल्मांकन किया गया। प्राथमिक कैमरे के दोनों को 2 अतिरिक्त कैमरों ने इन्फ्रारेड एक सेटअप पर 3 कैमरास के साथ फिल्मांकन किया गया प्राथमिक कैमरा के दोनों और 2 अतिरिक्त कैमरास ने इन्फ्रारेड में एक्शन को फिल्माया। इसके बाद ILM सॉफ्टवेयर ने इस डेटा को अभिनेता के डिजिटल हेड पर लागू किया। क्योंकि आयरिशमैन ने युवा स्टंट डबल्स का उपयोग नहीं किया था इसलिए कई लोगों ने कहा कि कम उम्र के नायक डी नीरो और अल पचीनो फिर भी बूढ़े लोगों की तरह चलते थे। दोस्तों थलापति विजय जल्द ही एक्टिंग छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं। वो अपनी पार्टी लॉन्च कर चुके हैं पर उससे पहले उन्हें 2 बड़े काम पूरे करने हैं। पहला द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और दूसरा पॉलिटिकल और आखिरी फिल्म। इस वक्त वो जिस फिल्म को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं वो है गोट। ये उनकी सेकेंड लास्ट फिल्म है दोस्तों। फिल्म का कुछ वक्त पहले ही थ्रिलर आया था जिसे गजब का रिस्पॉन्स मिला था। वही रिलीज से पहले पिक्चर ने कमाई के कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। एडवांस बुकिंग से फिल्म ने 50 करोड़ की कमाई कर ली है। पर इस गुड न्यूज के बीच नॉर्थ इंडिया फैंस के लिए निराश करने वाली खबर आई है। ऐसा पता लगा है कि फिल्म का हिंदी वर्जन किसी भी नेशनल चेन्स में रिलीज नहीं होगा। जी हाँ, थलापति विजय की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को वेंकट प्रभु ने डायरेक्ट किया है। उनकी सेकेंड लास्ट फिल्म को लेकर तगड़ा माहौल बना हुआ है। अब खबर आई कि जिस फिल्म का इस साल की शुरुआत से इंतजार किया जा रहा था उसका हिंदी वर्जन नॉर्थ इंडिया के नेशनल सिनेमा चेन्स पर रिलीज नहीं होगा। हाल ही में पिंक विला पर एक रिपोर्ट छपी, इससे पता लगा कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि गोट का हिंदी वर्जन नेशनल सिनेमा चेन्स पर रिलीज नहीं होगा। इसमें PVR, आईनॉक्स और सिनेपोलिस शामिल है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने एक्सपर्ट ट्वीट करते बताया कि मेकर्स ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। इसकी वजह है इन नेशनल चेन्स में लागू की जाने वाली लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी जिन्हें इम्प्लीमेंट किया गया है। इस फैसले के चलते उनके सिनेमाघरों में हिंदी फिल्मों की रिलीज पर असर पड़ता है। जिस पॉलिसी की वजह से गोट हिंदी में रिलीज नहीं हो रही है वो क्या है, सबसे पहले जान लीजिए। नेशनल चेन्स की एक पॉलिसी है जिसके तहत किसी भी नई हिंदी फिल्म की थियेटिकल रिलीज और OTT प्रीमियर के बीच 8 हफ्ते का गैप होना जरूरी है। इसकी वजह यह है दोस्तों कि डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने से पहले फिल्मों को थिएटर में अधिक से अधिक शोज मिले, यही वो पॉलिसी है जिसके चलते
बोर्ड के मेकर्स ने फैसला लिया है कि इस पिक्चर को हिंदी में नेशनल चेन्स में रिलीज नहीं किया जाएगा। 5 सितंबर को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है दोस्तों, लेकिन बुक माई शो जैसे बुकिंग प्लेटफॉर्म में हिंदी वर्जन लिस्टेड नहीं है। जिसके बाद से ही फैंस एक्सपर्ट मेकर्स को टैग करके सवाल कर रहे थे। एक यूजर लिखता है, मुझे फिल्म देखनी है पर हिंदी वर्जन में अवेलेबल नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि इसका सीधा कनेक्शन उसी पॉलिसी से है। हालांकि साउथ इंडिया फैंस के लिए एक गुड न्यूज है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का नॉन हिंदी वर्जन साउथ इंडिया मार्केट पर रिलीज किया जाएगा। इसमें PVR, आईनॉक्स और सिनेपोलिस शामिल है। हाल ही में कमल हसन की इंडियन टू रिलीज हुई थी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी, जिसके बाद 8 हफ्ते से कम गैप में ही मेकर्स ने इसका हिंदी डब वर्जन OTT पर उतार दिया था। डील साइन करने के बावजूद भी दोस्तों 6 हफ्तों में ही इसे OTT पर रिलीज किया गया, जिसके बाद मेकर्स को लीगल नोटिस मिला। तो दोस्तों, क्या आप भी हिंदी रिलीज का वेट कर रहे हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, थलापति विजय जल्द ही एक्टिंग छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं। वो अपनी पार्टी लॉन्च कर चुके हैं, पर उससे पहले उन्हें 2 बड़े काम पूरे करने हैं। पहला द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और दूसरा पॉलिटिकल और आखिरी फिल्म। इस वक्त वो जिस फिल्म को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं वो है गोट। ये उनकी सेकेंड लास्ट फिल्म है दोस्तों। फिल्म का कुछ वक्त पहले ही थ्रिलर आया था जिसे गजब का रिस्पांस मिला था। वही रिलीज से पहले पिक्चर ने कमाई के कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। एडवांस बुकिंग से फिल्म ने 50 करोड़ की कमाई कर ली है। पर इस गुड न्यूज के बीच नॉर्थ इंडिया फैंस के लिए निराश करने वाली खबर आई है। ऐसा पता लगा है कि फिल्म का हिंदी वर्जन किसी भी नेशनल चेन्स में रिलीज नहीं होगा। जी हाँ, थलापति विजय की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को वेंकट प्रभु ने डायरेक्ट किया है। उनकी सेकेंड लास्ट फिल्म को लेकर तगड़ा माहौल बना हुआ है। अब खबर आई कि जिस फिल्म का इस साल की शुरुआत से इंतजार किया जा रहा था, उसका हिंदी वर्जन नॉर्थ इंडिया के नेशनल सिनेमा चेन्स पर रिलीज नहीं होगा। हाल ही में पिंक विला पर एक रिपोर्ट छपी, इससे पता लगा कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि गोट का हिंदी वर्जन नेशनल सिनेमा चेन्स पर रिलीज नहीं होगा। इसमें PVR, आईनॉक्स और सिनेपोलिस शामिल है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने एक्सपर्ट ट्वीट करते बताया कि मेकर्स ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। इसकी वजह है नेशनल चेन्स में लागू की जाने वाली लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी जिन्हें इम्प्लीमेंट किया गया है। इस फैसले के चलते उनके सिनेमाघरों में हिंदी फिल्मों की रिलीज पर असर पड़ता है। जिस पॉलिसी की वजह से गोट हिंदी में रिलीज नहीं हो रही है वो क्या है? सबसे पहले जान लीजिए, नेशनल चेन्स की एक पॉलिसी है जिसके तहत किसी भी नई हिंदी फिल्म की थियेटिकल रिलीज और OTT प्रीमियर के बीच 8 हफ्ते का गैप होना जरूरी है। इसकी वजह ये है दोस्तों कि डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने से पहले फिल्मों को थिएटर में अधिक से अधिक शोज मिले, यही वो पॉलिसी है जिसके चलते बोर्ड के मेकर्स ने फैसला लिया है कि इस पिक्चर को हिंदी में नेशनल चेन्स में रिलीज नहीं किया जाएगा। 5 सितंबर को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है दोस्तों, लेकिन बुक माई शो जैसे बुकिंग प्लेटफॉर्म में हिंदी वर्जन लिस्टेड नहीं है। जिसके बाद से ही फैंस एक्सपर्ट मेकर्स को टैग करके सवाल कर रहे थे। एक यूजर लिखता है, मुझे फिल्म देखनी है पर हिंदी वर्जन में अवेलेबल नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि इसका सीधा कनेक्शन उसी पॉलिसी से है। हालांकि साउथ इंडिया फैंस के लिए एक गुड न्यूज है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का नॉन हिंदी वर्जन साउथ इंडिया मार्केट पर रिलीज किया जाएगा। इसमें PVR, आईनॉक्स और सिनेपोलिस शामिल है। हाल ही में कमल हसन की इंडियन टू रिलीज हुई थी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी, जिसके बाद 8 हफ्ते से कम गैप में ही मेकर्स ने इसका हिंदी डब वर्जन OTT पर उतार दिया था। डील साइन करने के बावजूद भी दोस्तों 6 हफ्तों में ही इसे OTT पर रिलीज किया गया, जिसके बाद मेकर्स को लीगल नोटिस मिला। तो दोस्तों, क्या आप भी हिंदी रिलीज का वेट कर रहे हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर। क्या गोट में होगा MS धोनी का कैमियो? क्या है इसकी पूरी सच्चाई? क्या थारा धोनी कर रहे हैं साउथ डेब्यू? कैमियो की बात ने कितने करोड़ कमाए गोट को? दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलापति विजय इस वक्त अपनी अपकमिंग फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को लेकर खूब सुर्खियों में है। 5 सितंबर को ये पिक्चर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का फैंस दिल थाम कर इंतजार कर रहे हैं। रिलीज से पहले थलापति विजय की फिल्म ने 56 पार कमाई का सिलसिला शुरू कर दिया है। दोस्तों, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एडवांस बुकिंग के मामले में काफी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। पहले खबर आई है कि सुपरस्टार के इस फिल्म में MS धोनी का कैमियो भी होगा। थारा धोनी और थलापति विजय तमिलनाडु के दो दिग्गज सितारे हैं। जहां विजय को फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा स्टारडम हासिल है, वहीं MS धोनी का इस राज्य में एक बड़ा फैन बेस है। इसकी एक वजह उनका इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स को रिप्रेजेंट करना भी है।
धोनी को तमिलनाडु का दत्तक पुत्र भी कहा जा सकता है। सोशल मीडिया पर खबरें थी कि धोनी विजय की फिल्म में खास कैमियो रोल निभाते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कि फिल्म के ट्रेलर में क्रिकेट स्टेडियम से विजय का एक शॉट भी दिखाया गया, जिसने फैंस की उम्मीदों पर राह बढ़ा दिया था। अपन के डायरेक्टर वेंकट प्रभु ने इन सभी खबरों पर अपना रिएक्शन शेयर किया है। सभी अफवाहों पर सफाई देते हुए डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म में धोनी का कैमियो नहीं है। हालांकि डायरेक्टर ने स्वीकार किया कि उन्होंने शुरुआत में फिल्म में धोनी के कैमियो की प्लानिंग जरूर की थी, लेकिन ये काम नहीं आया। वेंकट प्रभु ने आगे कहा कि फिल्म में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच एक क्रिकेट मैच दिखाया गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए दोनों फ्रेंचाइजी के प्रमुख क्रिकेटरों की छवियां होगी। डायरेक्टर के बयान के बाद फैंस थोड़े से निराश जरूर है, लेकिन उनकी गलतफहमी अब दूर हो गई है। गॉड के मेकर्स और स्टारकास्ट इसके प्रमोशन के लिए बहुत तामझाम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। माना जा रहा है कि फैंस के लिए थलापति विजय का नाम ही काफी है। उनके लॉयल फैंस है जो उनकी पिक्चर को देखने के लिए थिएटर में जाएंगे ही जाएंगे। फिल्म एडवांस बुकिंग के मामले में भी कमाल कर रही है। सैपनी की रिपोर्ट की माने तो गोट एडवांस बुकिंग के पहले ही दिन 11 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है। माना जा रहा है कि इसमें ब्लॉक सीटों को नहीं जोड़ा गया है। अगर उन्हें जोड़कर देखते तो फिर ये आंकड़ा करीब 14 करोड़ से भी ज्यादा का हो जाता। महज तमिल में ही पिक्चर की 11 करोड़ रुपए से अधिक की टिकट बिक चुके हैं। वहाँ एक टिकट की कीमत 208 रुपए है। गोट ने तेलुगु एरिया में 7 लाख की कमाई की है। हालांकि फिल्म के रिलीज में अभी पूरा एक दिन और बाकी है। ऐसे में नागरों के बढ़ने की पूरी उम्मीद की जा रही है। नेहा प्रसन्ना तमिल एक्ट्रेस विजय के साथ मेन लीड में नजर आएंगी, जिसके लिए उन्होंने 30 लाख रुपए चार्ज किए हैं। वहीं विजय फिल्म में अपनी भूमिका के लिए 200 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस ले रहे हैं। वहीं फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रशांत ने 75 लाख रुपए चार्ज किए हैं और कोरियोग्राफर डांसर अभिनेता और निर्देशक प्रभु देवा को पैन इंडिया फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपए का पेमेंट मिला है। वहीं मोहन की फीस 40 लाख रुपए है। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स है जो आपको कोर्ट देखने पर मजबूर करेंगी। नंबर 1, विजय की स्टार पावर। तमिल सिनेमा की सबसे फेमस और भरोसेमंद स्टार्स में से एक विजय ने अपना अनूठा करिश्मा, स्क्रीन प्रेजेंस और बढ़िया परफॉर्मेंस कोर्ट में लाया है, जो इसे उनके फैंस के लिए अवश्य देखने लायक बनाता है। एक्टर दोहरी भूमिका निभा रहे हैं और कई रूपों में दिखाई देने वाला फेमस एक्टर निश्चित रूप से अपने फैंस के लिए एक ट्रीट होगा। नंबर 2, हाई ऑक्टेन सीन। फिल्म में एक्साइटिंग एक्शन सीक्वेंस और स्टंट्स है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए काफी है, जिसमें एड्रेनालाइन पंपिंग पल शामिल है जो कि विजय के टैलेंट को दिखाता है। जैसे कि फिल्म के स्टंट मास्टर दिलीप सुब्रयान ने कंफर्म की है, विजय ने सभी एक्शन सीक्वेंस खुद ही किए हैं और ये कुशल एक्टर का एक शानदार पैकेज होने जा रहा है। साथ ही एक्शन सीन बहुत ही ज्यादा क्रूअल नहीं होंगे, बल्कि विजय के स्टाइलिश अवतार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नंबर 3, अट्रैक्टिव स्टोरी। वेंकट प्रभु द्वारा डायरेक्टेड कोट ड्रामा, इमोशन और एंटरटेनमेंट को एक साथ मिलाकर एक बढ़िया कहानी बोलती है जो बड़ी ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। फिल्म एक दिलचस्प कहानी के साथ बड़े पैमाने पर अपील को संतुलित करती है, जिससे ऑडियंस अपनी सीटों से चिपके रहते हैं। वेंकट प्रभु ने हाल ही में वादा किया था कि गोट की कहानी एक आकर्षक फिल्म होगी, इसलिए हम कुछ रोमांचक ट्विस्ट और टर्न वाली फिल्म की उम्मीद कर सकते हैं। नंबर 4, शानदार को स्टार्स और क्रू। प्रतिभाशाली एक्टर्स की टुकड़ी और एक मजबूत प्रोडक्शन टीम के साथ गोट को इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, हाई ऑक्टेन वैल्यूज और डायरेक्शन से लाभ मिलता है, जो इसे एक बढ़िया सिनेमाई एक्सपीरियंस बनाता है। मोहन जो अपनी अट्रैक्टिव भूमिकाओं से ऑडियंस को अट्रैक्ट करते रहे हैं, गोट में विलन की भूमिका निभाते हैं और एक्टर अपनी पहले कभी नहीं देखी गई लुक से फैंस को इम्प्रेस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नंबर 5, बड़े सीन्स और म्यूजिक। खूबसूरत जगहों पर और काफी हैवी बजट में फिल्माई गई कोर्ट में सिद्धार्थ नूनी द्वारा कैद किए गए शानदार सीन्स है। इसके अलावा युवान शंकर राजा द्वारा रचित उनका साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर देखने के एक्सपीरियंस में एक्साइटमेंट और फीलिंग की एक परत जोड़ता है। विजय का डी एज लुक भी कोर्ट का एक प्रमुख आकर्षण होने जा रहा है और मेगा बजट फिल्म फैंस को एक बढ़िया एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आप इसके लिए कितने एक्साइटेड है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं।
सारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिल्म लास्ट मौका उड़ाया गर्दा और कमा गई रिलीज से पहले थलपति विजय की गोट कितने गुना कमाई। इस हफ्ते थलपति विजय की नई फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रिलीज होने वाली है। मेकर्स ने फिल्म का प्रमोशन हल्का रखा क्योंकि उन्हें भरोसा है कि विजय के नाम पर जनता फिल्म देखने जरूर जाएगी और उनका ये मानना सही साबित होता नजर आ रहा है। गोट की एडवांस बुकिंग खुल चुकी है और बुकिंग शुरू होने के साथ ही फिल्म के पहले दिन के लिए 9 करोड़ रुपए की टिकट बिक चुके हैं। ट्रेड वेबसाइट सैकनल के मुताबिक एडवांस बुकिंग के पहले ही दिन फिल्म ने 9 करोड़ रुपए की ज्यादा कमाई कर ली। फिल्म की 4.11 लाख से ज्यादा टिकट एडवांस में बिक चुकी हैं और ये डेटा बिना ब्लॉक सीटों का है। इसमें अगर आप थिएटर्स की ब्लॉक सीटें जोड़ दें तो रिलीज से पहले फिल्म ने 11.74 करोड़ की कमाई कर ली एंड ये इस साल किसी भी तमिल फिल्म के हाईएस्ट प्री सेल्स बिजनेस में से एक है। वही तमिलनाडु में गोट का फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुबह 7 बजे शुरू होगा। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और भी थिएटर्स खुलेंगे और सरकार विजय की मच अवेटेड रिलीज के लिए सुबह के शोज को ऑफिशियली मंजूरी देगी। इसी बीच गोट तमिलनाडु के बाहर और भी पहले शुरू होगी। अन्य राज्यों में FDFS है 5 सितंबर को सुबह 4 बजे IST से शुरू होगा। इस शुरुआती बढ़त से उम्मीद है कि फिल्म के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि गोट का कोई भव्य प्री रिलीज इवेंट ही नहीं हुआ। वही इंटरेस्टिंग बात एक और है कि वेंकट प्रभु ने खुलासा किया कि मॉस्को उनकी अपकमिंग फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गोट के नाम से भी जाना जाता है उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाता है जिसमें थलपति विजय मुख्य भूमिका में है। फिल्म निर्माता ने बताया कि मॉस्को में विजय का किरदार एक बड़े मोड़ से गुजरता है जिससे रूस की राजधानी फिल्म की कहानी को एक अलग एंगल मिलता है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि फिल्म गोट में रजनीकांत और धनुष मुख्य भूमिका में नजर आने वाले थे जिसमें रजनीकांत पिता का किरदार निभाते जबकि धनुष को बेटे का किरदार मिला। डायरेक्टर वेंकट प्रभु ने दोनों सुपरस्टार्स को ध्यान में रखकर फिल्म की कहानी तैयार की थी। हालांकि बाद में दोनों स्टार्स की जगह थलपति विजय को कास्ट करने का फैसला किया गया। DH टेक्निक के जरिए उन्हें फिल्म में युवा दिखाया जाएगा जिसकी झलक ट्रेलर में देखने को मिल चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया कि डायरेक्टर ने विजय को कास्ट करने के बाद उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए कहानी में थोड़ा बहुत बदलाव किया। गोट फिल्म में थलपति विजय डबल रोल में नजर आएंगे। उन्होंने रॉय एजेंट गांधी का रोल निभाया, साथ ही वे बेटे के किरदार में भी दिखेंगे जिसका नाम है जीवन। इसकी कहानी गांधी के इर्द गिर्द घूमती है जो स्पेशल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में नजर आने वाले हैं। फिल्म का टाइटल भी इसीलिए पहले गांधी रखा जाने वाला था। एक्शन थ्रिलर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में थलपति विजय के अलावा प्रभुदेवा, जयराम, योगी बाबू, स्नेहा प्रशांत, मोहन अजमल अजमीर, मीनाक्षी चौधरी, लैला वैभव रेड्डी और अरविंद आकाश सहित कई स्टार्स नजर आने वाले हैं। ये मूवी अगले महीने 5 सितंबर एक्चुअली अगले महीने नहीं इसी महीने 5 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। वाला आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड थलपति की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में नजर आएगा इंडिया का कैप्टन कूल क्रिकेटर। क्रिकेट मैच खेलते हुए करेगा क्या म्यूट, उसका दिया डायरेक्टर ने हिंट और तेजी से बढ़ा दिया फिल्म का बस। पर ये सच है या फिर कोई पब्लिसिटी स्टंट है? तो गाइस ये सब सुनकर आप भी चकरा गए ना? दरअसल हम भी चकरा गए थे। पर बात ये है कि थलपति विजय की अपकमिंग फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में चेन्नई सुपर किंग्स के एक मैच का सीन दिखाया जाने वाला है। जैसे कि ट्रेलर में हमने देखा था कि थलापति के पीछे स्टेडियम नजर आ रहा था और चेन्नई सुपर किंग्स टीम की जर्सी पहने हुए कुछ लोग नजर आ रहे थे, पोस्टर्स भी नजर आ रहे हैं, तो उस बात को अब सब ने नोटिस कर लिया है। पर जैसे कि इस फिल्म को रिलीज होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं क्योंकि ये फिल्म 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है दोस्तों, तो उसमें फिल्म के डायरेक्टर वेंकट प्रभु ने ट्विटर हैंडल पर ये बता दिया कि फिल्म में CSK मैच वाला कोई सीन दिखाई देगा। और आपको पता है इसमें कौन दिखाई देने वाला है? और इस सवाल के बाद सबके दिमाग में बस एक ही नाम आया, महेंद्र सिंह धोनी का, क्योंकि वही तो है चेन्नई सुपर किंग्स के महारथी, क्रिकेट के भगवान और हमारे सब कुछ। तो ऐसा हो सकता है कि फिल्म में चेन्नई सुपर किंग्स का मैच दिखाया जाए जिसमें कि धोनी नजर आए और उसी तरह उनका इस फिल्म में कैमियो दिखाया जाए। वैसे ये तो अभी सबका अंदाजा है, पर ये डायरेक्टर बड़ा होशियार है भाई। उसे ये पता है कि धोनी का नाम लेने के बाद धोनी फैंस बिना इस फिल्म की तरफ जरूर मुड़ेंगे और टिकट निकालेंगे। और ऐसा भी लगता है कि ये सब बस बढ़ाने का ना उनका तरीका हो, कोई पब्लिसिटी स्टंट भी तो हो सकता है ना, या फिर सच में धोनी का कैमियो भी हो सकता है, अभी तो हम बस यही कह सकते हैं। खैर, पर डायरेक्टर ने ऐसा बोलकर हमें क्यूरियस तो जरूर कर दिया है और इस बात से हम लोग फुल चार्ज हो गए हैं और इसके चलते हम टिकट बिना जरूर निकालेंगे। और कुछ लोगों ने आधी खबर सुनते सुनते टिकट निकाल भी लिया होगा,
क्योंकि एडवांस बुकिंग भी कब की शुरू हो चुकी है। वैसे एडवांस बुकिंग शुरू होने के कुछ घंटों में इस फर्म ने 5 करोड़ तक की कमाई कर ली थी फर्स्ट डे के लिए, और उसमें तमिलनाडु के 2.72 करोड़ रुपए की कमाई का कंट्रीब्यूशन था, और तकरीबन 188,913 टिकट्स बिक चुकी थी, और इंटरनेशनल मार्केट में फर्म ने $1 मिलियन क्रॉस कर लिए थे, यानी मतलब 8 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई ये फर्म कुछ ही घंटों में कर चुकी थी। वैसे एडवांस बुकिंग में तो ये नंबर इस तरह से बढ़ते ही रहेंगे, पर दूसरी ओर तमिलनाडु फैंस का मूड थोड़ा सा ऑफ हो चुका है, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी ये कहा है कि जैसे कि 1100 स्क्रीन्स पर तमिलनाडु में ये फिल्म रिलीज होने वाली है, तो तमिलनाडु थिएटर्स के बाहर कोई कटआउट या फिर बैनर्स नहीं लगेंगे। अब इस न्यूज की वजह से तमिलनाडु फैंस नाराज हो गए हैं, क्योंकि कटआउट्स एंड बैनर्स के साथ वो थलापति के लिए अपना प्यार दिखाते रहते हैं, पर एक्चुअली ये सब उनकी ही वजह से हुआ है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि फैंस फिल्म के एक्साइटमेंट के चलते बहुत नुकसान कर देते हैं थिएटर्स का, जैसे कि कुर्सियां तोड़ना या फिर कुर्सी के कवर्स फाड़ना, और इस सब की वजह से थिएटर्स का नुकसान होता है। और ऐसा थलापति की फिल्म लियो की ट्रेलर के वक्त भी हुआ था, इसलिए तो गोड का ट्रेलर थिएटर्स में रिलीज नहीं किया गया। खैर पर कोई बात नहीं दोस्तों, बैनर्स भले ही ना लगे पर दिल में तो प्यार है ना, तो एडवांस बुकिंग कर लो, थिएटर्स में जाकर तुम देखो और दे दो थलापति को और उनकी आखिरी फिल्म को बहुत सारा प्यार, क्योंकि 5 सितंबर को फिल्म आने वाली है, तो बहुत ही कम दिन बचे हुए दोस्तों, इसलिए फटाफट से टिकट निकाल लीजिए। वैसे आप निकाल रहे हैं ना अपना टिकट, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर। क्यों बदल दिया गया थलापति की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का टाइटल, और कब आने वाला है उसका 4th सॉन्ग, और कौन कौन नजर आएगा उसमें, और कितने व्यूज ये हासिल करेगा। दरअसल इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार थलापति विजय की अपकमिंग फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जो कि 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है, यानी कि बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो इसलिए मेकर्स बस सरप्राइज पर सरप्राइज दिए जा रहे हैं। और जैसे कि अभी उन्होंने एक अपडेट कंफर्म किया, और वो ये है कि 31 अगस्त को इस फिल्म का 4th गाना रिलीज किया जाएगा, वो भी शाम 6 बजे। इसके लिए पोस्टर भी शेयर किया गया है जिसपे थलापति विजय नजर आ रहे हैं अपने गले पर रुमाल पकड़ते हुए। वैसे उनके चेहरे पर फोकस नहीं किया गया है, बल्कि लाइट में उनका ये पोस्टर हमें दिखाया गया है, जिससे कि ये लगता है कि शायद उनके इस गाने में उनका यंगर वर्जन, यानी कि डी एजिंग वाला जो लुक है उसे दिखाया जाए, जैसा कि फिल्म के 3rd सॉन्ग स्पार्क में दिखाया गया था। वैसे ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस गाने में त्रिशा कृष्ण एंट्री मार सकती है, और त्रिशा और थलापति की जोड़ी हमें फिर से एक बार देखने को मिल सकती है फिल्म लियो के बाद। पर इस बार त्रिशा बस गाने में ही नजर आएंगी, पर अब जैसे कि इस फिल्म का पहला गाना विसल फोडो, जिसमें कि थलापति और प्रभु देवा एक साथ नजर आए थे, उस गाने ने 24 घंटे में 24 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हासिल किए थे, और ये गाना तब ट्रेंड कर रहा था। उसके बाद जो गाना रिलीज किया गया वो था चिन्ना चिन्ना, उसे 24 घंटे में 4.5 मिलियन व्यूज मिले थे, और पंकज तीसरा गाना स्पार्क, उसे भी बहुत ही कम व्यूज मिले थे, और ना ही वो लोगों को पसंद आया था, मतलब कि मूड ऑफ हो गया था। पर इस 4th गाने पे अगर त्रिशा कृष्णन एंट्री मारती है तो शायद ये गाना सुपर डुपर हिट हो सकता है, और ये गाना 24 घंटे में अच्छे खासे व्यूज ला सकता है, मतलब विसल फोटो के 24 मिलियन व्यूज से भी अधिक व्यूज ये ला सकता है, क्योंकि त्रिशा और थलापति की जोड़ी जो कि 2005 की फिल्म खिलाड़ी के बाद सुपर हिट हुई थी, उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया और ऑडियंस को ये जोड़ी काफी पसंद आने लगी। इसी बीच इनके अफेयर्स की भी चर्चा हो रही थी, जिसकी वजह से ये जोड़ी और भी लाइमलाइट में आ गई, पर इन दोनों की केमिस्ट्री को ऑडियंस हमेशा स्तर पर उठा लेती है, तो ये एक रीजन तो है नहीं इस गाने के हिट होने का। और त्रिशा जैसी ब्यूटीफुल हसीना इस गाने में अगर लटकती मटकती नजर आएगी तो ये नजारा तो कुछ और ही होगा। तो ऐसे में इस गाने से बहुत एक्सपेक्टेशन है, और जब गाना रिलीज होगा उसके बाद ही ये मालूम चल पाएगा कि ये क्या कमाल करता है, कितने नंबर्स लाता है और कौन सा नया रिकॉर्ड बनाता है। और अब बात करते हैं फिल्म के टाइटल के ऊपर। बेतिस फिल्म के ट्रेलर से आप ये जान चुके हैं कि इस फिल्म में थलापति के कैरेक्टर का नाम गांधी है, और एक्चुअली गांधी यही इस फिल्म का टाइटल होने वाला था पहले, ना कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि गांधी यानी कि अगर हम इसका रेफरेंस महात्मा गांधी से ले तो ये तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ही है, तो इस रेफरेंस के साथ ही गांधी टाइटल रखा जाता। पर ये थलापति सर की आखिरी फिल्म है, तो इन्हें फेयरवेल के तौर पर एक बढ़िया टाइटल के साथ फेयरवेल दिया जाए, ऐसा फिल्म की टीम ने सोचा, और फिर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ये टाइटल रखा गया। पर वो रखने से पहले थलापति का अप्रूवल भी लिया गया था, जो लेने में बहुत दिन उन्होंने बिताए थे, पर फाइनली
तब उन्होंने अप्रूवल दे दिया। वैसे दोस्तों ये लोग तो अपना टाइटल गांधी रखे या फिर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हम तो बस यही देखना चाहते हैं कि थलापति की ये आखिरी फिल्म उनके करियर की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होती है या फिर तकी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में विलन बनेगा मलयालम इंडस्ट्री का बाहुबली, 10 साल के बाद आएगा साथ और करेगा थलापति की आखिरी फिल्म में दंगल। उस एक वायरल पोस्टर ने खड़े किए ऐसे करोड़ों सवाल। दरअसल थलापति विजय और डायरेक्टर वेंकट प्रभु की अपकमिंग फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के रिलीज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फिल्म 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है और इसी बीच वेंकट प्रभु ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पिक्चर शेयर की है जिसे देखने के बाद सबके कान खड़े हो गए और सवालों पे सवाल पूछे जा रहे थे सोशल मीडिया पर, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि कोई कौन बनेगा करोड़पति गेम शुरू हो चुका है। क्यों? दरअसल वेंकट प्रभु ने मलयालम सुपरस्टार, जिन्हें मलयालम इंडस्ट्री का बाहुबली भी कहा जाता है, उनकी रेंज ऑफ एक्टिंग की वजह से या फिर किंग ऑफ मॉलीवुड भी कहा जाता है, ऐसे मोहनलाल के साथ एक पिक्चर शेयर की जो कि बहुत ही कैजुअल पिक्चर थी। और उसे देखने के बाद कैप्शन में डायरेक्टर साहब ने कुछ भी नहीं लिखा, वो सब उन्होंने फैंस के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि फैंस अब इस पर यही पूछेंगे कि मोहनलाल गोट में कैमियो करने वाले हैं क्या। दरअसल दोस्तों रजनी सर की तमिल फिल्म जेलर में कैमियो करने के बाद मोहनलाल फिर से किसी तमिल फिल्म में कैमियो करे ऐसा फैंस चाहते हैं। और गोट के बहाने थलापति और मोहनलाल को एक साथ अब 10 साल के बाद देखने का मौका फिर से मिलेगा ऐसा उन्हें लगा, क्योंकि 2014 की फिल्म जिला में ये दोनों एक साथ काम कर चुके थे और तब तमिल फैंस के साथ साथ थलापति के केरला फैंस ने भी इस फिल्म को सर पर उठा लिया था। तो थलापति की आखिरी फिल्म गोट में अगर मोहनलाल एंट्री मारेंगे तो इसे 2 एक्स्ट्रा चांस तो लग ही जाएंगे ऐसा सबको लगता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया दोस्तों कि मोहनलाल विलन बनकर एंट्री मारेंगे गोट में और थलापति के साथ 2 हाथ करेंगे, पर क्या है ना इनका कैमियो नहीं होने वाला है ऐसा लगता है, क्योंकि वेंकट प्रभु और मोहनलाल चेन्नई में मिले थे जहां वेंकट प्रभु गोट से रिलेटेड काम के लिए वहां मौजूद थे, तो वहीं मोहनलाल अपनी अपकमिंग फिल्म बरोज के पोस्ट प्रोडक्शन के काम के लिए वहां पर गए थे। तो ये बस एक मुलाकात थी, बाकी कुछ भी नहीं। बट डोंट वरी, नाराज होने की, मुंह लटकाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक और सरप्राइज हमें मिल सकता है और उसे सुनने के बाद आपका चेहरा बिल्कुल खिल जाएगा, मन में लड्डू भी फूट सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म का 4th गाना शायद फिल्म रिलीज से पहले रिलीज किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है और उसमें हमें एक्ट्रेस त्रिशा नजर आ सकती है। अब त्रिशा और थलापति की जोड़ी जो उनकी 2005 की फिल्म घिल्ली से फेमस हो चुकी थी, उनका एक क्रेजी फैन बेस है और इन्हें हमने 2023 की फिल्म लियो में भी साथ देखा था, तो इस बार फिर से उन्हें साथ में देखने में मजा आएगा। पर जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता तब तक अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए। वैसे इस बात का कंफर्मेशन आना बाकी है, पर एक न्यूज तो कंफर्म है, जैसे कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ने सेंसर बोर्ड की सारी फॉर्मेलिटीज पहले ही पूरी की थी, इसे यूए सर्टिफिकेट मिल चुका था और इसका रन टाइम 3 घंटे था, पर फिर इस फिल्म के मेकर सेंसर बोर्ड के ऑफिस गए और फिल्म का रन टाइम थोड़ा सा बढ़ाया, क्योंकि इसमें 3 मिनट का एक ब्लूपर रील या फिर वीडियो हमें दिखाया जाएगा फिल्म के एंड में, जिस वजह से इस फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 3 मिनट अब हो चुका है। वैसे इतना हैवी रन टाइम सुनकर मामला थोड़ा सा रिस्की तो लगता है, पर थलापति और फिल्म की पूरी टीम को यकीन है कि वो 3 घंटे ऑडियंस को इंगेज रख सकते हैं, पर ये तो इनका कॉन्फिडेंस है। अब सच में अब 3 घंटे बैठ पाएंगे या फिर हमें बार बार अपनी फोन की याद आएगी ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही मालूम चल पाएगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुबह 4 बजे सिनेमा के बाहर फैंस की भीड़ सिर्फ अमिताभ की फिल्मों के वक्त होती थी, लेकिन क्या आप अमिताभ की जोकर थलपति विजय को इमेजिन कर सकते? जी हाँ, थलपति विजय की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 5 सितंबर को दुनिया भर में सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार। आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में विलन बनेगा मलयालम इंडस्ट्री का बाहुबली, 10 साल के बाद आएगा साथ और करेगा थलापति की आखिरी फिल्म में दंगल। उस एक वायरल पोस्टर ने खड़े किए ऐसे करोड़ों सवाल। दरअसल थलापति विजय और डायरेक्टर वेंकट प्रभु की अपकमिंग फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के रिलीज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फिल्म 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है और इसी बीच वेंकट प्रभु ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पिक्चर शेयर की है
जिसे देखने के बाद सबके कान खड़े हो गए और सवालों पे सवाल पूछे जा रहे थे सोशल मीडिया पर, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि कोई कौन बनेगा करोड़पति गेम शुरू हो चुका है। क्यों? दरअसल वेंकट प्रभु ने मलयालम सुपरस्टार, जिन्हें मलयालम इंडस्ट्री का बाहुबली भी कहा जाता है, उनकी रेंज ऑफ एक्टिंग की वजह से या फिर किंग ऑफ मॉलीवुड भी कहा जाता है, ऐसे मोहनलाल के साथ एक पिक्चर शेयर की जो कि बहुत ही कैजुअल पिक्चर थी। और उसे देखने के बाद कैप्शन में डायरेक्टर साहब ने कुछ भी नहीं लिखा, वो सब उन्होंने फैंस के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि फैंस अब इस पर यही पूछेंगे कि मोहनलाल गोट में कैमियो करने वाले हैं क्या। दरअसल दोस्तों, रजनी सर की तमिल फिल्म जेलर में कैमियो करने के बाद मोहनलाल फिर से किसी तमिल फिल्म में कैमियो करे, ऐसा फैंस चाहते हैं। और गोट के बहाने थलापति और मोहनलाल को एक साथ अब 10 साल के बाद देखने का मौका फिर से मिलेगा, ऐसा उन्हें लगा, क्योंकि 2014 की फिल्म जिला में ये दोनों एक साथ काम कर चुके थे। और तब तमिल फैंस के साथ साथ थलापति के केरला फैंस ने भी इस फिल्म को सर पर उठा लिया था। तो थलापति की आखिरी फिल्म गोट में अगर मोहनलाल एंट्री मारेंगे तो इसे 2 एक्स्ट्रा चांस तो लग ही जाएंगे, ऐसा सबको लगता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया दोस्तों कि मोहनलाल विलन बनकर एंट्री मारेंगे गोट में और थलापति के साथ 2 हाथ करेंगे। पर क्या है ना, इनका कैमियो नहीं होने वाला है ऐसा लगता है, क्योंकि वेंकट प्रभु और मोहनलाल चेन्नई में मिले थे, जहां वेंकट प्रभु गोट से रिलेटेड काम के लिए वहां मौजूद थे, तो वहीं मोहनलाल अपनी अपकमिंग फिल्म बरोज के पोस्ट प्रोडक्शन के काम के लिए वहां पर गए थे। तो ये बस एक मुलाकात थी, बाकी कुछ भी नहीं। बट डोंट वरी, नाराज होने की, मुंह लटकाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक और सरप्राइज हमें मिल सकता है और उसे सुनने के बाद आपका चेहरा बिल्कुल खिल जाएगा, मन में लड्डू भी फूट सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म का 4th गाना शायद फिल्म रिलीज से पहले रिलीज किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, और उसमें हमें एक्ट्रेस त्रिशा नजर आ सकती है। अब त्रिशा और थलापति की जोड़ी, जो उनकी 2005 की फिल्म घिल्ली से फेमस हो चुकी थी, उनका एक क्रेजी फैन बेस है, और इन्हें हमने 2023 की फिल्म लियो में भी साथ देखा था, तो इस बार फिर से उन्हें साथ में देखने में मजा आएगा। पर जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता, तब तक अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए। वैसे इस बात का कंफर्मेशन आना बाकी है, पर एक न्यूज तो कंफर्म है, जैसे कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ने सेंसर बोर्ड की सारी फॉर्मेलिटीज पहले ही पूरी की थी, इसे यूए सर्टिफिकेट मिल चुका था और इसका रन टाइम 3 घंटे था, पर फिर इस फिल्म के मेकर सेंसर बोर्ड के ऑफिस गए और फिल्म का रन टाइम थोड़ा सा बढ़ाया, क्योंकि इसमें 3 मिनट का एक ब्लूपर रील या फिर वीडियो हमें दिखाया जाएगा फिल्म के एंड में, जिस वजह से इस फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 3 मिनट अब हो चुका है। वैसे इतना हैवी रन टाइम सुनकर मामला थोड़ा सा रिस्की तो लगता है, पर थलापति और फिल्म की पूरी टीम को यकीन है कि वो 3 घंटे ऑडियंस को इंगेज रख सकते हैं, पर ये तो इनका कॉन्फिडेंस है। अब सच में अब 3 घंटे बैठ पाएंगे या फिर हमें बार बार अपनी फोन की याद आएगी, ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही मालूम चल पाएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर। हाई ऑक्टेन एक्शन सीन, एक मिशन और स्मार्ट स्क्रीन प्रेजेंस, क्या थलापति की गोट है सस्ती मिशन इम्पॉसिबल? क्यों कह रहे हैं लोग ऐसा? दोस्तों, थलापति विजय और डायरेक्टर वेंकट प्रभु की गोट या द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को टीम द्वारा नए सीन जोड़ने की बात फिर से सेंसर कर दिया गया। वेंकट प्रभु द्वारा निर्देशित ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिकॉर्ड संख्या में सीन के साथ रिलीज होगी। गोट का फाइनल रन टाइम अब 3 घंटे 3 मिनट है, इससे पहले गोट का रन टाइम 2 घंटे और 59 मिनट था। नए सीन जोड़ने के बाद अब इसे बढ़ा दिया गया है। फिल्म को CBFC द्वारा यूए सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें कुछ गलत सीन्स जोड़े गए थे, जो निर्देशक वेंकट प्रभु की फिल्मों में अक्सर देखने को मिलते हैं। गाली गलौज और राष्ट्रपिता शब्द को म्यूट कर दिया गया है। सेंसर सर्टिफिकेट के अनुसार 3 सेकंड की फुटेज हटा दी गई है, जबकि 2 सेकंड की फुटेज बदल दी गई है। विजय की पिछली फिल्म में, जिनमें मास्टर और बिगल्स शामिल है, 3 घंटे के ड्यूरेशन पीरियड में थी, जबकि गोट अब इससे आगे निकल चुकी है। ये देखना होगा दोस्तों कि तमिलनाडु के थिएटर मौजूदा रन टाइम के साथ फिल्म को जगह दे पाएंगे या फिर नहीं। तमिलनाडु में गोट के लिए एडवांस टिकट बुकिंग 30 अगस्त से शुरू हो जाएगी। तमिलनाडु के अलावा पड़ोसी राज्यों में फिल्म के सुबह के शो सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगे। गोट विजय की 68वीं फिल्म है। ऐसे में विजय और वेंकट प्रभु की जोड़ी को लेकर काफी चर्चा है। वेंकट प्रभु द्वारा निर्देशित गोट एक एक्शन ड्रामा है, जो गांधी के इर्द गिर्द घूमती है, जो विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ते का एक फेमस मेंबर था।
वो अपने पूर्व सहयोगियों के साथ एक मिशन के लिए वापस आता है। जब अतीत में हुई एक गलती उन्हें परेशान करती है। इस बड़े बजट की एक्शन ड्रामा में विजय दो भूमिकाओं में है। ट्रेलर की शुरुआत में किसी तरह के मिशन की बात हो रही है जिसे लीड करने के लिए विजय को बुलाया जाता है। इस ट्रेलर को देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वो इस फिल्म में एक स्पाई एजेंट का किरदार निभा रहे हैं। लोगों की तरफ से इस ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दोस्तों 2 मिनट 52 सेकंड के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर माहौल सेट कर दिया। लोग इसे इंडियन मिशन इम्पॉसिबल भी कह रहे हैं। दरअसल ट्रेलर के एक सीन में मिशन इम्पॉसिबल के म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया था। वहीं एक्शन सीन्स इतने धांसु है कि लोग इसे सस्ती इंडियन मिशन इम्पॉसिबल भी कह रहे हैं। वहीं विजय के साथ फिल्म में प्रशांत, प्रभुदेवा, अजमल अमीर, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, मीनाक्षी चौधरी, प्रेमगी, अमरे, योगी बाबू और योगेंद्रन जैसे एक्टर शामिल है। AGS एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित इस फिल्म का संगीत युवान शंकर राजा ने दिया है। सिनेमाटोग्राफी सिद्धार्थ नूनी ने की है और संपादन वेंकट राजन ने किया है। फिलहाल दोस्तों आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरा नाम है रोहित और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फिल्म गोट के लिए अब थलापति ने ये कौन सी नई चाल चली भाई। मतलब अभी अभी न्यूज आई है उसमें तो यही लग रहा है कि थलापति के करियर की इस आखिरी फिल्म को हिस्ट्री बनाने का कोई प्लान है। तो दरअसल अभी फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी द गोट के मेकर्स ने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें थलापति विजय नजर आ रहे हैं और उसके साथ ही ये ऑफिशियल कन्फर्मेशन भी दिया है कि ये फिल्म आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज हो रही है। पर इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ फिल्म के डायरेक्टर वेंकट प्रभु ने एक और अनाउंसमेंट भी की है कि ये फिल्म एपिक फॉर्मेट में रिलीज होने वाली है। अब एपिक सुनकर तो आपको यही लगेगा ना कि ये क्या है भाई, ये तो हमने इससे पहले कभी नहीं सुना, कोई नया मामला आया है क्या मार्केट में। तो ये कोई नया मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक स्क्रीन फॉर्मेट होता है जैसे कि आईमैक्स होता है। पर एपिक और आईमैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्क्रीन साइज को लेकर। पर एपिक स्क्रीन्स लार्ज स्क्रीन होती है जिसमें कि एक नॉर्मल फिल्म काफी बढ़िया तरीके से दिखाई देती है और डेफिनेटली आईमैक्स की तरह उसकी स्क्रीन क्वालिटी और साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है ऐसा कहा जाता है। वैसे इंडिया में फिल्म साहो और सायरा नरसिम्हा रेड्डी ये दोनों फिल्में पहली बार ऐसी स्क्रीन पर रिलीज हुई थी जिसके लिए ऑडियंस ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया था। तकरीबन 93% से लेके 95% तक की ऑक्यूपेसी थी पहले 10 दिनों में ऐसी स्क्रीन के लिए। तो बेसिकली ये एक अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है और इसी के चलते गोट के मेकर्स ज्यादा से ज्यादा और बेसिकली तमिलनाडु की सारी ऑडियंस को थिएटर के अंदर लाना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन हो पाए। और शायद ऐसा हो भी सकता है कि जिस तरह इंडिया में सिर्फ 25 आईमैक्स स्क्रीन्स ही अवेलेबल है जिसमें से सिर्फ 2 ही तमिलनाडु में है, तो शायद इसके लिए ये एपिक वाला ऑप्शन इन लोगों को आजमाना होगा। पर ऐसी बड़ी फिल्मों के लिए ये जरूरी हो जाता है जैसे कि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है। इसीलिए तो रजनीकांत की फिल्म जेलर के दौरान भी ऐसी स्क्रीन फॉर्मेट का एक ट्रायल डेमो भी गया था। इतना ही नहीं बल्कि थलापति की फिल्म लियो भी इसी फॉर्मेट में रिलीज की गई थी और मणि रत्नम की पुनियन सेल्वन भी इसका एक और एग्जाम्पल है। तो गोट भी एक मजेदार एक्सपीरियंस देने आ रही है। तो क्या पता थलापति की इस आखिरी फिल्म का एक्सपीरियंस लेने के लिए भीड़ रुकने का नाम ही ना ले जिससे शायद फिल्म एक हिस्ट्री क्रिएट कर दे। वैसे इस फिल्म का ट्रेलर 19 अगस्त को रिलीज होने वाला है तो देखते हैं कब तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है। पर हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म का ट्रेलर एक अच्छा बज क्रिएट करे फिल्म के लिए क्योंकि इस फिल्म के गानों ने तो कोई अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा नहीं है और म्यूजिक कंपोजर युवन सरकार राजा का ये सबसे वीकेस्ट एल्बम जा रहा है जो म्यूजिक के मामले में तो यहाँ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पर हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म में ऐसा ना हो क्योंकि फिल्म के पास अभी बहुत अच्छा मौका है क्योंकि एक तो ये फिल्म 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है और इस वक्त
कोई भी फिल्म क्लैश में नहीं है, इसलिए काफी अच्छी प्लानिंग भी हो रही है इसको हिट कराने के लिए, जिसके चलते फिल्म के पास एक बढ़िया चांस है कमाल कलेक्शन करने का। लेट्स सी क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए बॉलीग्रैड।